तो so, कल बैन करते हैं राइट कि नॉन फाइलर गाड़ी नहीं नॉन फाइलर को गाड़ी के अलाउ नहीं होनी चाहिए नॉन फाइलर को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी नॉन फाइलर को वोट का राइट नहीं होना चाहिए अगर आप इस मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क का कारोबार चलने के लिए टैक्स नहीं दे सकते तो आपको कोई राइट नहीं है आप बैठ के फेसबुक पे कीबोर्ड वॉरियर बने ठीक है आपको कोई राइट नहीं है कि आप जो है उस वैक्सीन के ऊपर जाके वैक्सीन लगवाएं जो कि आई उस मुल्क से है जिस मुल्क के ऊपर से आपके ताल्लक़ टैक्स पेयर की वजह से हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम हम लाहौर आए हैं और लोगों ने बोला लाहौर आए और आपने ये पॉडकास्ट नहीं किया तो फिर आप क्या लाहौर आए इवन तो हम ड्राइव करके नहीं आए हम उड़ कर आए हमारे साथ पार्क व्हील्स के को फाउंडर मेरे फेलो लम्स अलम सुनील बंज हमारे साथ हैं कैसे हैं सर आप मैं बिल्कुल ठीक रखा आप खेल से हैं सर मैंने लोगों से पूछा क्या सवाल पूछना है और पाँच कमेंट्स में से चार सौ निन्यानवे कामेंट थे जो आपसे जानना चाहते हैं एक मॉडल वेरियंट मेरा मेक मॉडल वेरिएंट भी अक्सर लोग जानना चाहते हैं तो मेक मॉडल वेरिएंट सर मैं बताता हूँ मॉडल मेरा काफ़ी पुराना है सो आई हैव नो शेम इन द टलेंगे आई वॉज बॉर्न इन नाइनटीन सेवेंटी नाइन और वेरियट जो है आपके सामने है, सुनील और मंच ज़्यादा है अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये क्या हिंदू है ये वो तो मुसलमान है सर अलहमदुल्ला सो so, मेक मॉडल वेरियंट इज़ लाइक like सुनील सरफराज मंच बॉन इन नाइनटीन सेवेंटी नाइन और आपके सामने भी बुढ़ापा गुजारे हैं सर किसी बड़ी स्टोरी आप बहुत जवाब सुना चुके होंगे लेकिन बिकॉज हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस को भी एक पता चले आंट्रप्रनोरशिप

तो उसमें मतलब उस, उस ज़माने में ये कहा जाता था कि जी ए एवल वाले बहुत कम लोग हैं मैट्रिक वाले बहुत ज़्यादा हैं हम मैट्रिक वालों में से थे फिर था कि जी अगर आपके पास दो स्ट्रीम्स हैं आपने प्री इंजीनियरिंग करनी है मेडिकल करनी है और कोई आपके पास ज़्यादा चांसेस नहीं होते थे अब मैं ये कहता हूँ कि जिस ज़माने में आज के लोग जो हैं आ रहे हैं तो दे आर वेरी लकी एक तो इतने एवेन्यूज हैं अगर आपने करियर स्टार्ट करना हो तो इतनी चीज़ें आप अपने इर्द देखें बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये भी करियर है ये भी है पहले नहीं था तो उस ज़माने में तो ऑंट्रप्रीनरशिप का तो कोई लफ्ज़ ही नहीं था मुझे अभी भी स्पेलिंग नहीं आती आपस की बात है और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि स्पेलिंग से ज़्यादा काम पे ज़्यादा जोर दें हमारे यहाँ उल्टा है कि टायल लगा लो अगर मैं इधर आज पॉडकास्ट के लिए आ रहा हूँ तो मैं बात दाढ़ी बनवा के आऊँ स्टाइलिंग ज़्यादा दूँ मैं कहता हूँ यार कॉन्टेंट पर ज़ोर दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सो so, उस ज़माने में ऑन्टरप्रीनियोरशिप कोई किसी को नहीं पता थी मेरा थोड़ा मसला ये था कि मुझे रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा था रियलिटी चेक इन देंस जब वन आई वॉज इन बी तो मेरा कोई जी ख़ास अच्छा नहीं था मेरा खाले शुरू में तो पहले क्वार्टर के बाद लम्स से मुझे लेटर आया था घर पर कि आपका जी पी से नीचे अगर इससे नीचे गया तो आपको निकाल देंगे तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि यार मुझे तो तुझे कोई शौक नहीं था पढ़ाने का लम्स तो में तुमने खुद ऑप्ट किया था सो तो अगर करना है तो ग्रेसफुली कर लो नहीं तो छोड़ो कारोबार करो आके कोई इशू नहीं है आपका फैमिली बिज़नेस हाँ तो मैंने कहा नहीं जी मैंने करना है तो फिर मैंने इंसान के बच्चों की तरह पढ़ना शुरू किया और फिर जी को नीचे से पुल करके लाना सब मैंने ग्रेजुएटेड तो मेरा जी पी तक आ चुका था बट टू को लेकर आना बड़ी बात है और उसके बाद फिर जो है जब मैं अपनी क्लास में देखता था अपने आप को कैंपस पे लोग आते थे कुछ कहीं जा रहे हैं इंटर्नशिप करने कुछ पी एन फलाना फलाना सिटी बैंक उस जमाने में दो ये ज्यादा होते हैं आजकल तो करीम उबर पार्क व्हील्स एंड जमीन ज़्यादा वो लोगों को लगता है लेकिन उस जमाने में जो है ना ये नाम होते थे कि जी जो चला गया पी में चला गया जो सिटी बैंक में चला गया उसकी ज़िंदगी बन गई तो मुझे पता था कि जब कैंपस पर ड्राइव हो रही है मैं तो जाता भी नहीं था उसमें मैं कहता यार मुझे क्यों लिखेगा कोई खैर दैन आफ्टर बी एस सी आई वेंट टू लंड स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स मैंने दो साल समर स्कूल वहाँ पर किया एंड आई वॉज द फर्स्ट वन उसके बाद मेरे बाद लम्ज फैशन बन गया था समर स्कूल में जाने का इधर उधर लोग जाते थे तो येस आई वॉज द वन और वो इसलिए नहीं था कि मुझे कोई बहुत शौक था बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन टाइम पर नहीं होती थी <laughs> <laughs> लम्ज का समर लगाने के बाद फिर समर स्कूल के लिए लंडन जाता था वो बाईस दिन तीस दिन के अंदर वो कोर्स के क्रेडिट ट्रांसफर कराता था तो दो समर लगा के मैं अपने बैच के साथ ग्रेजुएट किया तो उस टाइम में मुझे तालीम का अपनी बिल्कुल आइडिया था कि मुझे जो है कहीं जॉब नहीं मिलेगी मैंने फिर जो है ना उसके बाद दो हज़ार तीन में लम्स एम बी अप्लाई किया तो मुझे से एम बी के इंटरव्यू में, में वासिफ साहब ने मुझे पूछा कि यार जब जो तो लम्स में होते तुम्हारे तो ग्रेड नहीं आते लंडन स्कूल में क्यों आ जाते हैं वहाँ पर मेरी दोनों दफा डिस्टिंगशन थी तो मैंने कहा सर वहाँ पर डिस्ट्रेक्शन कोई नहीं है यहाँ पर दोस्त गाड़ियाँ इस उसमें घूमते फिरते रहते हैं तो इसलिए नहीं है तो बट उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि तुम एम बी ए क्यों करना चाहते हो मैंने कहा जी मैं देखना चाहता हूँ कि लम्स में अगर आप रहे हो ना तो बी एस सी एम बी ए दो बड़े डिफरेंट चीज़ें होती थी ठीक है कि एम बी ए वाले समझते थे हम कूल हैं हम कहते थे हम कूल हैं तुम फूल हो तो मैंने कहा यार मैंने देखना है कि आप एम वालों को क्या पढ़ाते हैं बिकॉज मैंने कल को उनको हायर करना होगा एंड जस्ट अ बॉन्गी जो मैंने ऐसी मारी थी आप क्या रिच फैमिली बिजनेस एम्पायर इतना नहीं, कुछ भी नहीं नहीं था, मैंने ऐसी बस ही मार दिया ना इसे कहते हैं इंप्रेस करने के लिए एक उन्होंने यॉर्कर मारा तो मैंने कहा जी मैं जरा इसको बाहर करूंगा स्टेडियम से ना तो मैंने बोल दिया बस अल्लाह का शुक्र है वो मतलब आदमी ऐसा हुआ या नहीं हुआ तो बाद में टाइम से पता लगा ले लेकिन मैंने एक जनरली मेरा ये ख्याल था मैं कहता दिया मैं देखना चाहता हूँ आई वॉन्टी टू एक्सप्लोर वॉट इज़ दिस ऑल लम्ज़ एम बी अबाउट और जिसके बारे में हमें कहा जाता था कि यार बस वाले लम्ज़ नहीं होते ओरिजिनल जो पेडीग्रीड लम्स है वो एम बी आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट फिर जब एम में गए फिर ये हुआ एक साल बाद लोगों को परेशानी कि यार जॉब कहाँ मिलेगी फ्लाँ क्या होगा एक कंपनी आ रही कैंपस पे सूट पहन के पहुँच जाओ और मैंने कह दी ये सारे क्या कर रहे हैं एंड देन रिलाइज हमारे जमाने में एम बी का बैच आई थिंक वी वर क्लोज टू एटी फाइव या नाइन्टी थे मैंने अपने आप को कैलकुलेन की करते करते मैंने कहा कर अगर आखिरी मतलब कहते हैं ना पिंड कुत्ता भी मार जाता है तो चौधरी नहीं मार सकता मैं कह मैनू नहीं मिलनी जॉब सो लेट्स नॉट ट्राई इट आई वॉज वेरी रियलिस्टिक सो दैट्स वॉज द ऑन्ट्रप्रोरल जर्नी स्टार्टड मतलब मुझे था क्या यार फिर अपना ही काम कर सकते जब कोई रखेगा पूरी सी मार तो नहीं सकते ठीक <laughs> <laughs> है ना तो वो फिर आखिरी चांस ये था कि भाई करना ही है देन आई स्टार्ट थिंकिंग करना है कैसे करेंगे क्या करेंगे बिकॉज आई वॉज वेरी रियलिस्टिक यार कोई मुझे नहीं हायर करेगा तो आपका फैमिली बिजनेस गाड़ियों का नहीं था नहीं नहीं मेरा फैमिली बिजनेस बिल्कुल गाड़ियों का नहीं था ना मैं आई तक फैमिली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ किस चीज़ का फैमिली बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का था वॉच पार्ट्स का था वो क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने यार शुरू में जब मैंने एम जब ख़त्म किया था और मैं पाकवील जब स्टार्ट हुई भी थी और पाकवील का मैं मैंबर भी था और हम फोरम्स करते थे तो मैं जाता था भाई के साथ कारोबार पर जाता था बट मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था मैं वहाँ भी पूरा दिन बैठ के फोरम्स खोल के पाकवील पर गाड़ियाँ देखता रहता था ये करता रहता था मुझे इंटरेस्ट नहीं होता था तो मुझे कहता था कि यार एंड इट वॉज अ टाइम कि मेरे जितने लम्स के क्लास फेलो से ना जो कोई अपनी जॉब कर रहा था वो जब लाहौर आता था मैं दो दिन उसके साथ दो दिन उसके साथ दो दिन उसके साथ दो दिन तो एक दिन मुझे भाई ने मुझे बिठाया कि यू नो वॉट यू आर क्या उसने कहा तुम लोगों का टाइम पास हो मैंने यही क्या बात हुई उसने कहा दो दिन साध आ गया दो दिन अली आ गया दो दिन उज़ैर आ गया दो दिन फलाना आ गया उनके तो दो दो दिन थे वो अपनी इन्जॉयमेंट के लिए आए थे तुम्हारे महीने के तीस में से अठाईस दिन ऐसे चले जाते हैं तो तुम क्या कर रहे हो अपने साथ हो डू वॉन्ट डू मैंने कहा मेरा दिल नहीं लगता इन चीज़ों में मतलब ये सामान मंगा लो ये इसको होल सेल कर दो इवर प्राइमरी इन होल सेल तो होता ही था कि आप होल सेल कर लेते थे फिर जब आप उनसे पैसे मांगते थे वो आपसे कहते थे आज बारिश हो रही है सर आज तो सड़क बन रही है सर आए तो मुजाहरा हो गया आए तो बम ब्लास्ट हो गई है एंड ऑल माई लाइफ आई हैव सीन माई फादर डूइंग ऑल्सो कि भाई लोगों को पैसे देकर उनके पीछे भागो हर चार पाँच साल बाद को बंदा पैसे लेके भाग जाता था एंड इट वज अ विशियस साइकिल एंड आई डेंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन नॉट डेट कि मुझे पता था कि जी मैं कल को वो कहते हैं ना लोग के मैं कमरे में बैठा हुआ था और एक तरफ से रोशनी आ रही थी और कॉफी का कप पड़ा था और मैंने सोचा कि मैं पाकविल बनाऊंगा बड़े होकर ऐसा कुछ नहीं था सो इट वॉज ऑल बाई चांस कह सकते हैं एक्सीडेंटल कह सकते हैं गाड़ियों में इंटरेस्ट था गाड़ियों में इंटरेस्ट हमेशा था जब मैं लम्स में आया था तो पहली क्लास जहूर साहब ने पढ़ाई थी और उन्होंने कहा था कि सही साइकिल ऑडिटोरियम हाँ जी सही साइकिल ऑडिटोरियम था उन्होंने कहा हर बंदे को ना अल्लाह मैंने कोई पावर दी होती है कि उसकी कोई ना कोई जब शुरू हुए एक तरफ से इंट्रोडक्शन वो उसने कहा जी मेरे स्ट्रेट एज हैं उसने कहा मेरे मैं स्ट्रेट एज़ का ही पता नहीं था क्या होता है फिर तीसरे बंदे से पूछा स्ट्रेट एज क्या होते हैं उन्होंने कहा जी ए लेवल ओ लेवल में होते हैं आपको नहीं पता मैं कहा चलो होंगे होने सानू की तो खैर जब मेरी बारी है तो मुझे तो ऐसी कुछ ही समझ नहीं आ रही थी तो मैंने उनको बताया कि सर आप जिस गाड़ी पर आए हैं उस गाड़ी का नंबर ही है उनका क्या मतलब मैंने कहा सर ये मेरी स्ट्रेंथ थी है कि मुझे शौक है गाड़ियों का जुनून की हद तक शौक है आपके पास एक पिजारो है उसका ये नंबर है आपके पास एक सिविक नाइनटी फाइव है उसका ये नंबर तो ये आप उनको स्टॉक क्यों कर रहे हैं नहीं आई हैड दिस प्रॉब्लम मुझे आप सड़क पर जाती हुई गाड़ी साइड पर दिखाते हैं मैं आपको बताऊंगा कि इसका नंबर ये होगा ये फलाने जगह पर यार वो दोज वर गुड टाइम्स हम बात करते हैं ना गुड टाइम्स अब तो हर बंदे के पास गाड़ी है ना तब बड़े कम लोगों के पास गाड़ी थी आपको पता होता था इवन एटलीस्ट अगर आपके पास मर्सिडीज थी ना तो आपको पता था ये किसकी थी ये पहले किसके पास थी वो आपको पूरी चेन पता होती थी अब तो इट्स लाइक एवरी अदर पर्सन हैज़ एट तब इतनी वो नहीं थी कैपिटलिज्म नहीं थी लोग इतनी गाड़ियों पर पैसा नहीं खरीदते थे तो खैर देट्स हाउस इज स्टार्टेड मेरा कोई इंटरेस्ट खास उसमें नहीं था मैंने कहा कि जी मैंने अपना कोई काम करना है पाकल स्टार्टेड इज अ हॉबी एक फोरम था इट वॉज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान बिफोर ट्विटर इंस्टाग्राम रोजी एनी बडी एल्स वी व फर्स्ट वन किस ईयर में टू थाउजेंड थ्री हमारी बर्थडे अभी आ रही है सेवनटीन जुलाई विल बी ट्वेंटी ईयर्स वाह wow. uh, तो वो जो फोरम था वो किसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे होगा ना आपको फोरम डिजाइन एच टी एम एल के ऊपर बेस था बड़ा बेसिक सा था मकसद ये था कि लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया जाए आप आया आपने कहा जी मेरे पास ये सुजुकी मरगला है मैंने इसको ये व्हील कप डाले हैं ये टायर डाले हैं मैं आया मैंने अपनी गाड़ी की लगाई डिस्कशन शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा टॉपिक था कि मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ियाँ जो है ना बेशक बहुत ड्राई आदमी हूँ बहुत विटी आदमी हूँ को बहुत सीरियस आदमी हूँ आप सब में कॉमन निकालें गाड़ी हरी को पसंद होती है प्रोफेसर जो आपको सड़ा हुआ लगता होगा अपने ज़माने में उसको भी गाड़ी पसंद होती होगी और जो बहुत बड़ा एंटरटेनर होगा उसको भी गाड़ी पसंद होगी तो उस लिहाज से वी वर लकी इनफ के बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे आना शुरू होगी और स्ट्रॉ एक बॉन्ड बन गया और फ्लाइंग माइंडेड पीपल जिनको हमारे जो नीभा भट्टी साहब जो हमारे को फाउंडर हैं वो कहते थे ये पागल व्हीलर्स हैं बिकॉज इन सारे पागल हैं गाड़ियों के बारे में एंड वी कुड मतलब हमारे ऑनलाइन फोरम पर डिस्कशन होती थी फिर हमारे गेट टुगेदर होते थे हम पागलों की तरह चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे बात करते और बिलीव यू मी हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता होता था हम अपने जो एलियस थे यूजर नेम, नेम से यूजर नेम से याद करते थे आज तक हमें पता है कि जी स्पेक्ट्रा है स्पाइडर है फलाना है लिब्रा है उससे हम दूसरे को याद करते थे ओरिजिनल नाम पे नहीं जाते तो गाड़ी जो आप पाक व्हील्स का आइडिया कहाँ से आया कि यार गाड़ियों पर एक फोरम होना चाहिए ये बता रहा कि एक पैशन के तौर पे शुरू किया गया था हनीफ भट्टी आई स्टार्टेड इन कराची अपने घर के बेसमेंट में जगजीश जो है वो उस टाइम का कोडर था वो इंडिया चला गया जगजीश ने हनीफ भाई ने बैठ के डिज़ाइन की और उन्होंने कहा शुरू करते हैं हनीफ भट्टी साहब जो है पहले गोल्ड का, का काम करते थे और नाइन्टीज़ में पाकिस्तान में गोल्ड की काफ़ी स्मगलिंग होती थी रेड पैरिटी नहीं थी फिर रेड पैरिटी हो गई ख़त्म हो गई ही केम बैक टू तो पाकिस्तान वो अपने बेसमेंट में बैठे बैठे उन्होंने कह कैरिए शुरू करते हैं मैं और रज़ा हम लोगों ने एजे फोरम पर फिर ज्वाइन किया एज को फाउंडर्ज आहिस्ता 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 इंटरेस्ट बढ़ता रहा टाइम ज़्यादा देना शुरू किया साथ और भी मैं बहुत काम करता हूँ माशा काफ़ी फेलियर जो है उनका मेरे ऊपर टैग है यहाँ पे वो लोगों को नजर नहीं आते और अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान अपनी जो है ना कामयाबी से इतना नहीं सीखता कामयाबी आपको मकरूर बनाती है वो आपको ये बनाती है कि मैंने सब पता है जो आपका जो है ना नुकसान या आपकी जो नाकामी है वो आपको बहुत लेसन देती है तो आई वॉज लकी इनफ़ कि मुझे काफ़ी का नाकामियाँ मिली और उनसे काफ़ी लेसन मिले और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो बंदा लेसन ले उससे सीख ले वो अच्छी बात है पहली गलती हम हमेशा कंपनी में मैं कहता हूँ पहली गलती पे शाबाश है गलती रिपीट करना जो है वो सिन है गलतियाँ बताएँ और लेसन बताएँ उन गलतियों से क्या क्या सीखा गलतियाँ बहुत से की यार मैंने मतलब गोश्त का काम भी किया नॉट दैट आई एम अ बुचर बट मैं इंडिया से गोट इंपोर्ट होता था गोश्त और उसका रिटेल का काम किया यूटिलिटी स्टोर काउंटर लगेंगे और मैं अक्सर लगज़ लोगों को बताता हूँ कि मेरा था कि जी मेरी एक्सेल शीट पे जो कैलकुलेशन थी जो आजकल भी हमारे बहुत चीते करते हैं तो उसमें मैं तकरीबन मंचा साहब क्रॉस कर चुका था दो साल के अंदर कि अगर वो काम चलता रहता बट वो एक फ्लॉड मॉडल था गवर्नमेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपको बताया गया जी 300 सौ यूटिलिटी स्टोर हैं आपने एक्सेल के ऊपर निकाला क्या उन्हें एवरेज इतनी सेल होगी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको पता लगा कि 300 में से 30 के ऊपर खाली बिजली आती है एग्जाम्पल दे रहा हूँ अब कोई कि मुझे कोई यूटिलिटी स्टोर के जो करंट एम हैं वो एक कोई नोटिस भेज दें वैसे लास्ट एम हमारे लाम के तहत मगरबी साहब भी रहे हैं तो खैर उस ज़माने में फिर ये यजेशन हुई है आहिस्ा आहिस्ता करते करते देन द सेकेंड मिस्टेक हो आई मेड वॉज उस टाइम पर इंडिया से मीट आता था एक्स अमाउंट पर आ रहा है आप वाई पे बेच रहे हैं एक्स माइनस वाई आपका प्रॉफिट है बड़ा अच्छा कैलकुलेशन थी फिर 2005 में इलेक्शन आ गया पाँच में या छः में आए थे शौकत अजीज़ साहब की गवर्नमेंट थी काफ़ लीग थी हर गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड की होती कि हमने किस चीज़ पे मैनीफेस्टो पे लड़ना है हमारा इलेक्शन किस चीज़ पे तो उनका इलेक्शन यूटिलिटी स्टोर पे था उन्होंने कहा जी दुनिया इधर की उधर जो इसका रेट नहीं बढ़ सकता पीछे से रेट बढ़ना शुरू हो गया सो मच सो के एक्स माइनस वाई प्रॉफिट था जो एक्स है वो कम था वाई सेलिंग प्राइस पहले ज़्यादा थी बाद में एक्स जो परचेज प्राइस ज़्यादा होगी वाई कम हो गया सेलिंग प्राइस लेकिन उन्होंने कहा जी बेचोगे तो वो थोड़े ऐसा किया पाँचे महीने पैसे साढ़े फिर हमने कहा नहीं यार ये तो काम समझ से बाहर है उस ज़माने में अच्छी तरह याद है मैं लाहौर से इस्लामबाद हफ्ते में कम अज़ कम चार दिन ट्रैवल करता था मोटर वे पर डेली जाना फिर आना फिर जाना फिर आना के जी कंपनी बनी है वहाँ पर ब्यूटी स्टोर ज़्यादा था और उनके जो मेन हेड क्वार्टर से वहाँ पे थे तो वो करके देखा वो फेलियर था उससे भी बहुत से लेसन मिले कि आइंदा गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना एक्सेल शीट के ऊपर बिलीव नहीं करना यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल और बहुत एक्साइटेड होके कि जी इतने आ जाएंगे प्रैक्टिकली जो है ऑन ग्राउंड रियलिटी देखनी है वो नहीं देखे फिर इन 2005 आफ्टर माय एमबीए माय फर्स्ट जो जो कहते हैं ना प्रैक्टिकल जो मैंने काम शुरू किया था जो कि वाज एन एक्सटेंशन ऑफ माय फैमिली बिजनेस मेरा बड़ा भाई जो है वो होलसेल के अंदर इंपोर्ट कर रहा था दो तीन गिफ्ट शॉप्स को वो कंटेनर मंगाता था चाइना थाईलैंड से और उनको उसमें गिफ्ट आइटम्स के कंटेनर थे वो करता था तो आई सेट तो के यार तुम तो वही बात है कि उनको पैसे दे के फिर उनके पीछे भागते हो तो मैं तुम्हारा एक वेंडर बन जाता हूँ मुझे भी मंगा दो उन्होंने नॉट सो आई स्टार्टेड दिस शॉप विद नेम एटीन आज तो मुझे याद है वहाँ पे एक गाना आया था एटीन टिलर्ड आया वो लाइन चोरी की टैग लाइन बनाई एटीन खोल दिया इट वॉज ऑफ़ एम एम आर रोड वेरी क्लोज टू माई हाउस इट वॉज लाइक टू मिनट्स वॉक टू माई प्लेस तो वो शुरू किया इट वॉज अूज हिट उस ज़माने में मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट लाहौर में नहीं था इस्लाम आबाद में एग्जिस्ट करते थे डिड रियली वेल फॉर थ्री फोर फाइव ईयर्स पाँच साल तकरीबन हाँ दो हज़ार नौ तक वो चलाया नौ में इस्लामाद की एक चेन है एलुजन्स मेरे दोस्त ही हैं मानी और जावेद अगेन वो मेरा भाई उनको सप्लाई भी करता था तमाम तो उनके साथ लाहौर में एलूज खोला एक ब्रांच खोली दो ब्रांच खोली तीन गिफ्ट आइटम्स की शॉप हो गई अच्छा काम चलता रहा एट द एंड ऑफ टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व आई गेस्ट अगेन रिसेशन आया मुशरफ साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई लोगों के पास अपने रोटी खाने के पैसे लोगों ने किसी को गिफ्ट क्या देना है फिर अगेन दूसरी मिस्टेक ये की नहीं लोग क्या कहेंगे बड़ी बेजती होगी अगर बंद करेंगे तो बड़े देर मेरा भाई मुझे कहता रहा यार बंद कर दो नुकसान हो रहा है मतलब आप बैठ के हम हमेशा डिस्कस करते हैं मंथली क्या जा रहा है क्या नहीं तो डिटाइम में उसमें भी देर दो साल जाया किए बट नुकसान हुआ अच्छा खासा नुकसान हुआ मोनिटरी नुकसान हुआ और फिर आहिसे आहस्ता आखसे वो दोनों बंद हुई फिर एटीन रह गई फिर एटीन से भी जो है आहिस्त टाइम ऑब्वियसली होता है कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं आपको जिससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होता है आप उस पर अपना करते हैं फोकस ज़्यादा तो इस पूरे टाइम में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं पाक व्हील्स को दो हज़ार बारह में एक घंटा दे रहा था उनको ज़्यादा दे रहा तो वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो गया बाई एंड ऑफ टू थाउजेंड एंड फोटीन फिफ्टीन मैंने टोटल अपना टाइम जो है ना हर चीज़ से छोड़ के पाक व्हील पर आ गया कि यार मैंने यही करना है और कुछ नहीं करना और नेचुरली आपको साथ साथ रिटर्न भी नजर आता है कि आपको की चल रही सो दैट्स हाउ द जर्नी उसके अलावा भी बहुत से से पंगे लिए हर एक से कोई ना कोई सबक मिलता तो है दो हजार there, पहले नहीं भी? वो आपको मैं बताता हूँ 2003 में जब पार्कवीज बनी तब सिर्फ फोरम्स थे 2005 में जब एक कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग नेट बन चुकी थी तो किसी एक मेंबर ने जो सब एक दूसरे को जानना शुरू हो गया उसने बोला यार मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है विद इन आवर्स उसकी गाड़ी बिक गई बिकॉज सबको पता था कि गाड़ी बहुत अच्छी है सो दे वॉज अ लॉन्ग जो कहते हैं ना एक लो हैंगिंग फ्रूट था एक आइडिया था कि ऑनलाइन क्लासीफाइड जो है वो बड़े चल सकते हैं सो अगेन वी विद द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू लॉन्च ऑनलाइन क्लासीफाइड वेल बिफोर एनी बड़ी एल्स यू कैन थिंक आई मतलब मैं इस पर बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ कि इट्स अ चैलेंज स्टेटमेंट वी विद द फर्स्ट वन एंड ऑनलाइन क्लासीफाइड को जब हुआ देन दे वॉज नो टर्निंग बैक उसमें आप लोग कोई पैसे बना रहे थे ऑनलाइन क्लासीफाइड नहीं, नहीं पैसे तो हमने दो हज़ार इक्कीस तक नहीं बनाए पैसे दो अलहदा चीज़ है मैं बड़ा क्लियरली बात हर एक को बताता हूँ पिछले दिनों एफसी कॉलेज में गया था तो वहाँ पे बच्चों ने होटिंग शूटिंग बड़ी ये वो मैं कहा एंटर हुआ मैं कहा कतरीना कैफ गई की है जब पता लगा मैंने बोला भाई किस चीज़ के लिए अगर तो ये जो आर्जी चका चौंध है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बिकती है कि गाड़ियाँ फ्लैशी और ये जो है इसको देख के करे हो तो ये पाकवील से नहीं आई याबाजी के पैसे से अगर ब्रांड रिकग्निशन की बात है मैं आज अभी आते हुए सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान के होम ग्राउंड ब्रांड की अगर आप बात करें जो कि पाकिस्तान से बना है और ग्लोबली जाना जाता है तो अलहमदल आई टेक अ प्राइड इन दिस हम्बली टेक अ प्राइड इन दिस के पाक व्हील्स मेरा ख्याल है अगर आप किसी भी पाकिस्तानी को दुनिया में पूछेंगे कि पाकिस्तान के तीन कोई ब्रांड बनाओ जो हैं टॉप में तो उसमें पाक व्हील जरूर होगा सो रेकनीशन वाइज येस वी हैव क्रिएटेड डिफरेंस बट अगर तीन में बना 2021 में प्रॉफिटेबल हुआ तो ये एक अठारह साल की जर्नी है आ, आप कह रहे हैं गाड़ियाँ छाड़ियाँ अब्बा के पैसों से आ रही थी तो बाकी सब अब्बा तो, के पैसों से अपने दूसरे कारोबारों तो तो से बाकी सब भी इसी तरह बस पैशन प्रोजेक्ट अठारह साल चला रहे थे नहीं बाकी सबसे किचन चल रहा था नहीं तो मैं कहता हूँ मैं मेमरी को बताता हूँ कि जो सेक्सी वर्ड ऑन्टरप्रीनियोरशिप का और ऑन्टरप्रनियोर का या सी का जो है ना ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसके पीछे जो है ना बहुत हार्डवर्क होता है सो वो वो हार्ड वर्क नज़र आता है मेरा जो बड़ा भाई वो मेरे से दो साल बड़ा है उसका एक वाइट बाल नहीं है मेरे सारे बाल वाइट हैं लोग जाते हैं वो कहते हैं कि वह आपसे छोटा है वो आपसे बड़ा नहीं है तो इफ आई सी माई सेल्फ इन लास्ट टेन ईयर मुझे नज़र आता है मैं दस साल के अंदर बीस साल एज कर गया हूँ मैं अगेन बताता हूँ कि ये कोई बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है मैं लास्ट पाकिस्तान से दो 2016 में गया था वो भी काम के लिए गया था कोई एशियाई के लिए नहीं गया था मैंने कोई छुट्टी नहीं ली 2012 के बाद इवन ऑन संड हमारे यहाँ ऑटो शो हो रो होते हैं शूट हो रहा होता है कुछ ना कुछ हो रहा होता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपको मल्टीपल काम करने पड़ते हैं एक ऐसा चूल्हा जलाने के लिए जैसे फर्द करें एक ऐसा जो है जो कैश बर्निंग बिजनेस है बट यू लव इट इट्स योर पैशन एंड यू हैड अ कॉन्फिडेंस कैरी कभी चलेगा कभी चलेगा कभी चलेगा ये पॉडकास्ट है मैं आने से पहले आपको देख रहा था तो बहुत से हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो टेढ़ी मेडी वॉक करके मेरे और आपसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स लेके बैठे हैं चला रहे हैं ना चार साल से जेब से डाल रहे हैं किसी सोच के डाल रहे हैं कि किसी दिन ये बच्चा कहीं ऊपर चलेगा सो so ये भी एक ऐसा बच्चा था पाकवील जो कि 18 साल से फ्यूल किया गया सिर्फ इसलिए कि ये पैशन था और उसके लिए डिफरेंट काम किए गए जो आज भी कर रहे हैं मल्टीपल कारोबार किए गए मल्टीपल टाइम दिए गए गए दो चीज़ें देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क और कोई दूसरा आपको ला नहीं देगा ये अगर आपको रियलाइजेशन हो जाए तो ठीक है नहीं है तो पापा की परी बनना है या बाबा का झोना बनना है वहाँ बैठे तो ऑनलाइन क्लासीफाइड के बाद फिर नेक्स्ट फीचर क्या आया ऑनलाइन क्लासीफाइड जो है दो से लेकर दो आप समझें कि नौ दस तक वही फीचर था उसको बेहतर किया गया उसमें सर्च फिल्टर ऐड किए गए और चीजें ऐड कर दी गई 2012 में वी में द फर्स्ट वन टू तो लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस पाकिस्तान में कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी आप बाहर पढ़ के हैं कैली ब्लू बुक पे आपने गाड़ी की वैल्यू देखनी है आपने गाड़ी चेक करानी है उसका एम कराएंगे उसके बगैर नहीं बिकेगी दुबई में कहीं भी आप दुनिया में चले जाएंगे तो आप गाड़ी चेक कराते थे पाकिस्तान में क्या था कि एक बंदे को आप लेकर आते थे साथ मेरे पास गाड़ी चेक कराने के लिए मैं उसको चुप करके आँख मारता था एक पाँच सौ का नोट फड़ाता सी मेरी ख़राब गाड़ी वो आपको चिपका देता था एंड देर वज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम लाइक दिस फिर एक बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व थी पाकवील ने ऑनलाइन क्लासिफाइड ने देखें पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा तो कर दिया आप कराची बैठे व लाहौर की गाड़ी देख तो सकते हैं लेंगे कैसे आप सुनील को फ़ोन करेंगे कि यार उठ के जा मेरे लिए गाड़ी देख के आ जा वो दस में से एक कॉल उठाएगा नौवीं नहीं उठाएगा अगर उठा के चला भी गया तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉसिबिलिटी है उसने तो एज अ फ्रेंड गाड़ी देखी खाल को ख़राब निकली निकल आई सो देर वॉज अ लैक ऑफ सर्विस और एक बहुत बड़ा लैक था बहुत बड़ा गैप था तो हमने पाकिस्तान की सबसे पहली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस लॉन्च की जो कि पाकवील इंस्पेक्शन सर्विस है उस टाइम पर कार शोर उसको कहते थे वो शुरू की and i was a paid extra service that one yeah yeah it was a paid service ke you have to classified ke andar bhi change hote rahe pehle classified ke andar khali sare ek jaise add the fir feature add ho gaye jab zyada aana shuru ho gaye you have to pay for that also fir inspection service aayi that was paid फिर अगेन जब इंस्पेक्शन टीमें बनाई सारे शहरों में तो अगेन जो lumps की पढ़ाई काम आई कि utilization of resource है वो बैठी हुई टीम उसको क्या करना है करीम ऊबर से बात की करीम पे जितनी गाड़ी लगती थी वो पाक पील से इंस्पेक्शन होती थी फिर लगती थी बिकॉज इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक दफा एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठे उसका गाड़ी तेज चलाओ उसने कहा नहीं इसके तो पहिए है खराब हैं ऐसी की तैसी यार तुम्हारे पहिए है खराब हैं हम तो पैसे देकर बैठे हैं उसने कहा आपने मुझे पैसे दिए आपने करीम को दिए करीम से बात करें सो देर वॉज एन आइडिया कि यार देर इज़ नो इंस्पेक्शन सर्विस जब उनसे बात की उन्होंने क्य पाकिस्तान में है ही नहीं मैं कह जी हम देते हैं सर्विस तो हमने उनके लिए अपनी उस इंस्पेक्शन सर्विस को ऑगमेंट किया बिकॉज उन्होंने गाड़ी बेचनी नहीं है उनका पेंट से ताल्लुक नहीं है बट रोड वाइबिलिटी से उसके टायर के सड़क पर रुक तो नहीं जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं ख़राब उस तरह हमने वो किया वो अच्छा गया फिर डिफरेंट बैंक्स के पास गए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था एक बंदा आता था आप उसको चाय पिलाते थे आप कहते थे यार ये लगी हुई गाड़ी को ना आप लीज़ करवा दें मुझे हाई वैल्यू के ऊपर हाई वैल्यू पर लीज़ होती थी डिफ़ॉल्ट करते थे एंड पे बैंक के पास एक कैसेट होता था जिसकी असल वैल्यू वो नहीं थी प्योर विन विन सिचुएशन थी उनके साथ बात की तो अल्हमदिल्ला तमाम बैंक्स की जो पैनल थे उस पर थे आज जितने बड़े बैंक्स हैं जो यूज़ गाड़ी फाइनेंस करते हैं वो इंस्पेक्शन से करवाते हैं सो इट वॉज़ अूज हिट और उसके बाद इंस्पेक्शन सर्विस के बाद आप कह सकते हैं 2016 हज़ार तक ये चली देन वी एडिड ई कॉमर्स ऑफ पार्ट्स बिकॉज आपको ई e कॉमर्स के अंदर आपको नज़र आता था कि आपको दिखाते जो है कुछ और थे दिखाएँ आपकी शक्ल आता सुनील माइथा डिलीवरी पे तो वो कहते थे यार ऑर्डर इतनी अच्छी चीज़ की थी आ क्या गया या आता ही नहीं था तो देव वॉज अगेन समथिंग के हमें पास आइडिया है कि यार हम ई कॉमर्स ऑफ पार्ट्स कर सकते हैं वी स्टार्टेड दैट गोइंग बी गंग वेरी गुड फिर उसके बाद डिफरेंट सर्विसिज ऐड करते रहें और अलहमद कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर का जो पेन पॉइंट है ना वो एक तो ड्रेस करते रहें दूसरी चीज जो हमारा मेन प्रिंसिपल है पार्क व्हील्स का इट्स इट वॉज फ्राम देन टू रेवोल्यूशनइज द वे पीपल बाय एन सेल कार्स हम अपने आप को गेज भी उसे करते हैं आ, आर वी देर येट आर वी देर येट पहले ये था ये था ये था जब तक सारा कुछ इकट्ठा नहीं हो सकता तब तक हम समझेंगे कि अभी भी सक्सेसफुल नहीं है मनी आ जाता है आ गया ना अठारह साल बाद भी आ गया सो वी ब्रोक ईवन इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैं झूठ नहीं बोल सकता इट्स मतलब उसका हमेशा हर साल ऑर्डिट होता है टॉप फाइव फॉर्म से तो वो सबको पता है कि मतलब झूठ नहीं है सो टू दिस डे जो लोग अपने एड्स वैड्स डालते हैं वो आप लोग काट लेते हैं या वो देर आर टू टाइप्स ऑफ एड सो यू कैन एडवर्टाइज़ योर कार फॉर फ्री

या तो आप डिसाइड तो कर लें कि आपका कारोबार साल में पंद्रह गाड़ियाँ बेचने का और जो वेबसाइट पर आती है कि ये पाक सर्टिफिकेशन और कार्स दैट आप लोग ही बेच रहे हैं तो दो किस्म की गाड़ियाँ एक है आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं आप अकलमंद आदमी हैं आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है मैं हर एक को जवाब दूँ पेंट है नहीं पेंट आप कहेंगे भैया मैंने पाक व्हील्स इंस्पेक्शन कराई हुई है ये रिपोर्ट लगी है थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है मेरा रिश्तेदार तो नहीं पाक व्हील्स जाके देख लो समझ आती है तो फिर आ जाना सो एक जो है ना एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को कम करता है दैन वी हैव लॉन्च न्यू सर्विस विच ए ले सर्विस एंड इन कॉन्सियस सर्विस की आप बिजी हैं मैं और आप, आप अभी तो दो घंटे बैठे हुए हैं आप फोन नहीं उठाएंगे सुबह आप मुझे फ़ोन करेंगे सुनील भाई पाखिल का तो फायदा नहीं गाड़ी नहीं बिकती मैं बूंगा मामा फोन चुकिया सी इफ यू डोंट पिक अपो हाउ वु डी सेलेट सो पीपल हु आर बिज़ी लोग जो खुद फेस पर नहीं आना चाहते आपके जैसे सेलिब्रिटी हैं खवतीन हैं मास्किंग करना चाहते हैं आप खुद नहीं जवाब देना चाहते उनके लिए सर्विस है हैसल फ्री सर्विस है हमारी टीम आएगी गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगी अगेन हम एक थर्ड पार्टी है तो बायर को भी पता है कि हमारा कोई इंटरेस्ट उस लिहाज से नहीं है हम आपको हंड्रेड परसेंट जो है सही रिपोर्ट उसकी देंगे पेंट है जो भी है वो होगी उसके बाद उसका एड लगेगा हमारा कॉल सेंटर के जो एजेंट हैं वो उसकी कॉल्स लेंगे फाइनल जो उनको समझ आएगा कस्टमर है वो आपके पास पे ऑर्डर लेकर आएंगे आपकी गाड़ी ले जाएंगे सो दैट इज़ ऑलसो सर इसकी प्राइसिंग कस्टमर डिटेन करेगा कस्टमर को हमारी टीम बताती है अगेन डेटा की पावर जो हमारे मुल्क में लोग डेटा की पावर को नहीं मानते बट वी नो मोर देन एनी बडी हेल्थ इन द मार्केट की क्या ट्रेड हो रही है इफ़ यू हैव एन एक्सल आई मॉडल टू थाउजेंड फोर्टीन सट एंड माइलेज ट्रिपिन उसकी क्या मार्केट में प्राइस है क्या ट्रेड है लोग चालीस मांग रहे हैं वो मांगने की बात है मिलती नहीं है अगर वो ट्रेड तीस बत्तीस पे होती है तो आपको क्लियरली बताएंगे कि सर ये इसकी रेट है गाड़ी का इफ़ यू आर इन हरी तो फ़ॉरन डीलर की ऑफर आती है मार्केट में डीलर सस्ती लेता है अगर आपको जल्दी नहीं है तो ये मैक्सम प्राइस हम इसको अप्रोच कर सकते हैं एक डिसाइड हो जाती है प्राइस उसको लगा देते हैं उस कॉल लेते हैं उसमें व्हील्स परसेंटेज लेते हैं या एक ऑफ डील यस वी चार्ज नॉट सुनील की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ना कैसे करनी पूरी ये भी लोगों का ख्याल है कि उस पर वन परसेंट से ली हुई हैं लेकिन नहीं

तीन सौ रुपये की साइकिल आती थी पाँच हज़ार रुपए की बाइक आती थी और सत्तर हज़ार की करोड़ आती थी हम कहते थे भाई हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं अब आपको मैं बताऊँ मैंने जब गाड़ी चलानी शुरू की थी तो मैंने पहली दफ़ा पेट्रोल गाड़ी में डलवाया था सात रुपये का तो मैं कुछ बहुत बहुत पुराना नहीं हूँ सात रुपये का पेट्रोल नाइनटीन नाइन्टी फाइव की बात कर रहा हूँ यह पाकिस्तान में यूनिक है कि यार दुनिया भर में हम गाड़ियाँ जो हैं उसको लाइबिलिटी समझते हैं पाकिस्तान में एसेट समझा जाता है बिकॉज वो कुछ भी हो जाए अप्रिशिएट तो होती रहती है वैल्यू मैंने अब जो मैं गाड़ी चलाता हूँ सिटी मैंने ली होगी कोई सात लाख रुपए की दो हज़ार नौ में आप बता दें कितने की होगी कि अगर मैं आज बेचना चाहूँ उसको मॉडल क्या दो हज़ार नौ सिटी ऑंडा सिटी दो हज़ार नौ की मैनुअल ऑटो है मैनुअल है मैनुअल सिटी जो है जिसको चूहा सिटी बोलते हैं वही है, है कि नई वाली शेप है नई वाली शेप है नो चूहा वाली नहीं वो वाली नहीं गंदी वाली नहीं अच्छी वाली शेप नई शेप आई थी जो कई साल चली है हाँ 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 2009 की मैनुअल सिटी कुछ नहीं कुछ नहीं तो पंद्रह सोलह लाख की तो होगी इस टाइम बताए मैंने इसको मतलब एक गाड़ी जो मैंने चौदह साल चलाई है वो मोर देन डबल्स इन वैल्यू इन पाक टर्म नॉट इन रियल टर्म्स बट इज़ दिस यूनिक टू पाकिस्तान डिपेंड करता है कि आपकी जो है इकोनमी कैसी है और आपकी इंडस्ट्री कैसी है सो so प्राइमरीली हमारे यहाँ पे रीजन ये क्यों है क्योंकि ये चीज़ें आती हैं इम्पोर्ट पर ठीक है मतलब सी के डीकेट इम्पोर्ट होती है उस पर ड्यूटी पड़ती है टैक्स पड़ता है ये yes, लोकलाइजेशन है मगर फिर भी मेजर uh, पोर्शन जो है ना ये वैल्यू चेन वाइज अगर आप नंबर ऑफ वाइज पूछे ना कि गाड़ी में सौ पुर्जे लगते हैं तो शायद साठ पाकिस्तान में बन जाते हो बट वैल्यू वाइज अगर पूछे कि करोड़ रुपए की गाड़ी है तो शायद उसमें से बीस लाख पाकिस्तान में बनता होगा बाकी अस्सी लाख के पार्ट इंपोर्ट होते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक वाइज वैल्यू चेन में हम थोड़ा शायद कम है नंबर ऑफ पार्ट्स में येस सिक्सटी परसेंट हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि गाड़ियों की डिपेंडेंसी ऑन फॉरन करेंसी इज हायर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती रहती है हर अगले रोज़ इसलिए आपको लगता ये है कि आपकी होंडा सिटी 9 से 16 की होगी तो आप बड़े खुश हो आप डॉलर टर्म में कन्वर्ट कर करें तो आपको नुकसान है क्या बट ऑन द कॉन्ट्रेरी लोग कहते हैं जी गाड़ी पाकिस्तान में बड़ी महंगी हो गई है नाइनटीन में जब ट्विटा लॉन्च हुई थी तो चार लाख समथिंग की थी उस दिन सोलह या अठारह रुपये का डॉलर था उसको निकाल लें और आज करोला आपको उससे बहुत बेहतर गाड़ी डॉलर टर्म में उससे सस्ती दे रहा है बट वो हमारी उसमें कोई वो कारनामा तो नहीं है दुनिया भर में चीपर फॉर टू मैन्युफैक्चर मास मैन्युफैक्चर कार्स नहीं होगा बिकॉज देखिए उस गाड़ी की टेक्नोलॉजी और इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी में बड़ा फर्क है उसमें एबीएस सोचा भी नहीं था उसमें एयरबैग सोचा भी नहीं था तो हर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट जब नहीं आती है वो और उनको कॉस्ट को कस्टमर नहीं पे करना है तो उस तरह नहीं बट जनरली मैं बता रहा हूँ हमारे रुपये की जो कदर है वो नीचे जाती है इस वजह से हमारा होता है डेप्रिसिएशन दुनिया में हमारे कोविड ने दुनिया को बदल दिया हमारे मुल्क में एक बला थी एक लानत है जिसको मैं कहता हूँ ऑन की लानत ठीक है ऑन के स्पेलिंग भी ओ एन होती है मेरी बड़ी लड़ाई होती है ठीक है ऑन और डिस ऑन हो नहीं होता ऑन और ऑफ की वजह से होता है प्राइस ऑन होगी ऑफ होगी सो so, जो ऑन की लानत है ना वो हमारे मुल्क में शुरू हुई थी ओडी करोला से दो हज़ार एक दो में जी ऐसी ओडी करोला लेनी है तो ऐसी रंग दैनी थी अजी लेनी है उस टाइम पर ऑन होता था चार हज़ार पाँच हज़ार छः हज़ार दो हज़ार एक दो की बात कर रहा हूँ फिर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है आपके पास ज़्यादा पैसे हमने का पीछे सुनील माजिना तो गड्डी नहीं लान देनी मैं लड़ी आपने दो लाख ऑन दिया उसने तीन दिया उसने चार दिया बोली लगना शुरू हो गई लिमिटेड प्रोडक्शन थी कोविड से पहले 2009 में पाकिस्तान में जब 2016 में जब आई ना 2009 कह रहा कहना 2019 में पहला साल था कि गाड़ियों में ऑन खत्म हुआ था लोगों की मेमोरी थोड़ी स्लो है इसलिए मैं दोबारा याददाश्त करा देता हूँ सोलह में पाकिस्तान की पहली कंपनी ऐसी वाटर पॉलिसी आई जिसके तहत तेरह नई कंपनियाँ आई जिनको लोग बिग थ्री कहते थे और तीन शटर थे उसी से आपने गाड़ी लेनी थी गाड़ी की प्रोडक्शन कम थी लेने वाले ज्यादा थे ऑन चल रहा था बिल्ले मौजें लगी हुई सबकी 2016 में नए प्लांट लगे और उनकी प्रोडक्शन 19 में आना शुरू हुई तो 19 ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको फॉर्चुनर पे रिबेट मिलता था आपको ट्विटर रेवो पे रिबेट मिलता था जो कि इस टाइम पे कैश आइटम समझी जाती है सो ब्लेसिंग इन डिज गाइस कोविड आ गया जब कोविड ख़त्म हुआ तो कोविड में किसी की इनकम ऊपर नहीं गई सवाए अगर आप मास्क बेचते थे या आपकी फार्मास्यूटिकल hmm. थी या वो आप दुनिया को बेवकूफ़ बना के वो जो वैक्सीन पूरी दुनिया को लगाई है वो बेचते थे आई वॉज वन ऑफ़ दोज पीपल जो कहते थे दुनिया में सबसे बड़ी बकवास है कोविड एंटी वैक्सीन है हाँ एंटी वैक्सीन है, है मैं एंटी वैक्सीन नहीं था मैं उतना मॉडर्न आदमी नहीं हूँ कि मैं एंटी वैक्सीन और एंटी वो बनूँ मैं जनरली थोड़ा सा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो नेचर है ना मतलब अगर अल्लाह मिया ने हमें मास्क के साथ पैदा करना तो वो कर सकता था वो वह इसब है उसको सब पता है उसने बगैर मास्क के पैदा किया ना अल्लाह अल्लामिया ने कपड़ों के साथ भी तो नहीं पैदा किया पहने में कपड़े पहने का कहा गया ना मज़हब में मास्क पहनने का नहीं कहा गया औरतों को कहा गया जिनको कहा गया वो उतार लेते हैं

कि जो गाड़ी आपने ली थी सत्तर लाख रुपए की रह वो, वो कुछ डीलर का फ़ोन है कि जी आपने बेचनी है मैंने कहा क्यों बेचनी है वो कि जी अस्सी लाख ले लो मैं कह मेरी इनकम कोविड के बाद नीचे गई है लोगों की नीचे गई है लोग परेशान हैं ये कौन है जो लेना चाह रहा है वाई इज़ देयर ऑन फिर पता ये लगा कि अगेन कैपिटलिस्ट सोसाइटी है लोगों के पास पैसा है प्रोडक्शन बंद थी कोविड की वजह से ला लॉर्ड ऑफ मनी अप्रोचिंग लिटिल प्रोडक्शन तो उससे ऑन पे आना शुरू हुई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली टेस्ला पे ऑन जीटीआर पे ऑन यू नेम द कार क्योंकि प्रोडक्शन रुक गई थी अब जिसको लेनी है वो ऑन पे दे रहा है तो वो ऑन फिर पूरी दुनिया में चला गया तो ये हुआ तो ऑन के नुकसान क्या है मतलब अगर किसी को चाहिए वो जाए बोले यार ले लूँ मैं सात लाख ऊपर मुझे दे दो सो द डीलर मेक्स मनी है नहीं नहीं डीलर मेक्स मनी नहीं है ये तो एक ऐसी बात है कि आप देखिए अगेन इन प्योर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मेरे पास अगर पूरी दुनिया का पैसा है तो मैं पूरी दुनिया की वैक्सीन उठा लेता और उस टाइम पर जिन लोगों को लगता है कि वैक्सीन से लोग कोविड से बचेंगे तो फिर सारे कहाँ से लेते बट गाड़ी वैक्सीन इज नॉट अ कार ना आपके बच्चे ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है वो यूनिवर्सिटी जाना चाहता है आप उसको गाड़ी लेके देना चाहते है। हैं सुनील मैंने सारी गाड़ियाँ ले ली हैं आइडली तो गवर्नमेंट को बसें चलानी चाहिए ना ताकि सारे बच्चे जा सके यूनिवर्सिटी बसें बसें चलानी चाहिए वो तो बड़ी अच्छी बात है चलानी चाहिए हमारे मुल्क में तो लोगों की प्रायोरिटीज इतनी जो है ना स्टप है बिल्कुल जब ये स्मॉग आता है उस दिन हम लोगों के कारोबार बंद कर देते हैं आपकी दुकान बंद कर देंगे छापे मारेंगे और ऐसी की तैसी फेर देंगे कोविड में भी माशा हमारी पुलिस ने बड़ा अच्छा किरदार तबाह करने में लोगों की जिंदगी लोगों के कारोबार मैं तो हमेशा कह दिया देखो आपके मुल्क में कारोबार के मौाक़ वैसे नहीं है अगर कोई अपने बच्चों के लिए रिस्क मानने की कोशिश करे उसको रोकने के लिए हमारा हर इदारा हर प्रोसेस आ जाता है ठीक है जी अब अभी तो सर आप बात करें बसेस की लेकिन ना भूखा नहीं मरना चाहिए किसी को तो आप लोगों आपने क्या किया कोविड में लोगों को एहसास प्रोग्राम और जो तो सर छोड़ दे मैं ऐसी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए वो एहसास प्रोग्राम ये एहसास कार्ड ये लोगों को भिकारी बनाने वाली बातें आई डोंट बिलीव आप लोगों को काम माने वाला बनाए हमारे मुल्क में ना यूँ बनाते हैं आपको दुनिया भर ने ये किया दुनिया भर ने हैंड आउट्स नहीं दिए कैश है दुनिया ने हैंड आउट दिए तो दुनिया में मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ सबसे ज्यादा लेजी हो गया कोविड में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तीन तीन जॉब एक टाइम पर करके कंपनी को बेवकूफ़ बना थे फैक्ट दैट कुछ लोग ड्रिफ्टर्स हैं या कुछ लोग चोर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम खराब है

आपने शटर खोलना है तो ये रेट है मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा क्लियरली कोविड के अंदर जितनी जो है ना ब्लैक मनी हमारे जो इदारे हैं उन्होंने बनाई है ना जो जाके लोगों के कारोबार तबाह करते थे किसी ने नहीं बनाई बात शुरू हुई थी कि पॉलिसी बनानी पॉलिसी बना आप ना? और मैं मेरी पूरी उम्र गुजर गई हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में डॉलर नहीं है हमारे पास डॉलर प्याज टमाटर क्लियर कराने को नहीं और सबसे बड़ा बिल हमारा फ्यूल का क्यों नहीं आज तक ये प्रायोरिटी हो सकी कि अगर स्कूल वाला आपको यूनिफॉर्म भी अपने ब्रांड का देता है आपसे बच्चों की सी के पाँच सौ रुपए भी बनाता है तीस रुपए ले के मतलब स्कूल इज़ अ बेस्ट कारोबार ठीक है वो ये क्यों नहीं मेक श्योर sure कर सकता कि वो एक पब्लिक आप, आपको अपने लेवल के लिहाज से महंगा स्कूल है महंगी ट्रांसपोर्ट ले सस्ता स्कूल है सस्ती ट्रांसपोर्ट ले सारे एक ही गली से दस गाड़ियाँ निकलती हैं वो जाती हैं उस टी टी -डी, 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 डी भागती भी किसी के पीछे दो डाले होते हैं किसी के पीछे नहीं होते वो स्कूल में जाती हैं बच्चों को उतारती हैं वापस आती हैं रिजल्ट क्या है उस सड़क पर कंजेशन कॉम का पैसा डॉलर की फॉर्म में बाहर जा रहा है एंड पे माशाल्लाह वो जो पढ़े लिखे जो निकल रहे हैं उनसे आउटपुट भी हमारे सामने आज तक क्या है तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप अच्छा एक सिस्टम बनाएं अब तो माशाल्लाह अगर आप देखें यहाँ पे जो है बस बन गई जिसको लोग जंगला बस करते थे हर बंदे का अपना पॉलिटिकल पॉइंट है मैं तो कहता हूँ तो भाई बन गई ना जाने वाला साथ तो नहीं ले गया लोग बना रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाएंगे तो काम होगा ना मोटरवे जब बनी थी तभी लोग कहते थे हमें ज़रूरत नहीं है अब हर बंदा इस्तेमाल करता है तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप वो पॉलिसी लॉन्ग टर्म है नहीं है और उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ सम हो एक ऐसा सिस्टम है कि आज आप जो है ना आप हेल्थ में लगे हुए हैं साल बाद आपने लग जाना है ट्रांसपोर्ट पर उसके साल बाद आपने टूरिज्म पर लगने जाना है तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन आई I मीन mean, जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसका तो ये काम है जो ये भीुण, नहीं नहीं पॉलिटिकल की बात नहीं, नहीं, नहीं कर रहा पॉलिटिकल वाले तो बेचारे वो हैं, हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो बेचारे गालियां खाने के लिए बेवकूफ तरीन लोग हैं बिल्कुल ऐसा है आपने तमाम पॉलिटिकल लोगों को बुला के देखा है मैं देखता रहता हूँ पॉडकास्ट ये वो वो बेचारे क्या कर लेंगे उनको चलाने वाले जो हैं जिन्होंने काम ही नहीं करना तो आप क्या करेंगे आप लगे रहें फाइलें भेजते रहे हैं, वो फाइलें वापस हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है माशाल्लाह वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हर फील्ड में जाकर करती है स्मोक का आप जिक्र कर रहे हैं स्मोक में भी मास्क पहनना अब जरूरी हो गया है क्योंकि एट इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है सो हमने स्मोक के लिए कभी कोई पॉलिसी दी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मोटर के ऊपर हर साल मैं अपनी फील्ड की आपको बात करता हूँ हर साल आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें दिसंबर जनवरी में मैसिव चेन एक्सीडेंट्स होते हैं क्यों किसी ने खेत को आग लगाई हुई थी वो खेत किसी का तो है ना अगर आप जाके लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा के पतंगे पकड़ सकते हैं आप पतंगबाज़ को अंदर कर सकते हैं आप लोगों का कारोबार बंद करके उनकी दुकानें बंद कर सकते हैं कभी कोविड के नाम पे कभी स्मॉक के नाम पे तो भाई ये मोटरवे के साइड आइड पर पाकिस्तान नहीं है तो वहाँ पे स्मॉग नहीं रोक सकते छोड़ दें यार उस स्मॉग को वो स्मॉग चला गया अभी आप जाके कूड़े की हालत देख लें पूरे लाहौर में दुनिया कूड़ा बेच के पैसे बना रही है हम कूड़े को आग लगा रहे हैं हमारे कूड़े की वो क्वालिटी नहीं है ना जो जो लोग बेच रहे गए नो नो कूड़ा मारा सबसे अच्छा नो नो जस्ट हैड ड्राफे आलम ऑन जो चेयरमैन थे लाहौर वेस्ट बोर्ड मैनेजमेंट के तो उन्होंने समझाया है कि जो वो जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसमें जो कम्बस्टेबल होते हैं वो हमारे कूड़े में नहीं होते ना बनाए जो अलबराक वाले थे वो बेवकूफ़ थे कि आपको कूड़ा उठाने के पैसे दे रहे थे फिर क्या हुआ उसका सियासत हुई मैं आया मैंने आपका अच्छा काम नहीं चलना आपने मेरा नहीं चलने देना उसमें ये भी है ना कि हमारा जो कूड़ा होता है उसमें जो रिसाइकलीबल चीज़ें होती हैं वो तो हो जाती हैं जो लोग होते हैं सड़कों पर बेचारे ऑल्टरनेट होगा ना आप कराची से हैं बिल्कुल कराची से हैं कभी गाड़ी में आके पार्क की कराची में गाड़ी में कराची पार्क की गई पार्किंग नहीं है करते हैं वहाँ पे पठान आता है वो आपसे चाबी लेता है आपकी गाड़ी की हिफाजत भी करता है एक अल्टरनेट सिस्टम बन गया जी जी तो उसका मतलब ये कि गवर्नमेंट अपने उससे मुबरा हो गई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आप इधर आए लाहौर में एक अच्छा काम था एक सेंट्रल कंपनी बनी पंजाब पार्किंग कंपनी ठीक है आप जहाँ जाएंगे आपको पता कि यार ये लीगल पार्किंग वाला ये गवर्नमेंट की पार्किंग है दूसरी गवर्नमेंट गंवट उड़ा के फारेगा जिसका जो दिल करता है मैं अपनी जैकेट पहनता हूँ मैं अपना प्लाजा के बाहर अपने ले रहा हूँ ले रहा हूँ तो मसला या, या। ये कि एक दूसरे को खींचने देते हैं और सिस्टम नहीं बनाते बसों वाली बात पे हम आ जाते हैं वापस क्यों नहीं करते क्या है? कर तो रहे क्या कर रहे हैं अब वो जो जंगला बस जो लोग गालियां देते थे अब तो पूरे मुल्क ने रियलाइज कर लिया है वो जंगला बस बहुत चीज स्कूल का काम है नहीं ना वो गवर्नमेंट का काम है अच्छा स्कूल का काम ये है अच्छा स्कूल का काम यूनिफॉर्म बेचना है किताबों से पैसे बनाना है कौन से स्कूल को जानते हैं जो कि अपने मोनोग्राम के बगैर बच्चे को किताब लाने देता है ना बताएं नाम बता दें नो डी ना तो जब इतनी वो खिदमतें खल कर रहे हैं तो ये भी कर लें और मैं ये भी इसमें भी पैसा बनेगा ये मैं बताता हूँ उनको पता नहीं अभी आइडिया नहीं है उनमें से कोई मुझे अप्रोच करे मैं बताऊंगा इस बहुत अच्छा पैसा बनाने की स्कीम पार्क व्हील सर्टिफाइड स्कूल बस सर्विस तो विन विन है देखिए दस गाड़ियों का जो पेट्रोल है वो एक बस पे नहीं लगना ना तो आप बच्चों को अगर एक बच्चे को एक अच्छी सेफ्टी के साथ एक अच्छी वो दे रहे हैं रोड कंजेशन ख़त्म हो रही है मुल्क का पैसा बच रहा है बट वो होगा कब जब जो आगे साहब बहादुर हैं उनको पता होगा मैंने भी दस साल रहना है आपको पता है मैंने दो साल बाद चले जाना है मैं इस बिल पे साइन करूं फ़ायदा सुनील साहब आके ले लेंगे तस्वीर उनकी लग जाएगी तो क्यों करेंगे आप इसमें अगर हम जनरली अगेन क्योंकि आप कैपिटलिस्ट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं जो एक टाइम आया था जब बैंक्स में आसानी से लोन्स पे गाड़ियाँ मिल जाती थी गाड़ियाँ बढ़ी जा रही थी रोड्स बने जा रहे थे डोंट यू थिंक दैट वॉज द टाइम जब हम गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ फंड्स डाइवर्ट कर देते और फोकस कर देते बैंक्स ने बहुत पैसा बनाया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने माशाल्लाह वाफर पैसा बनाया लेकिन मुल्क के लग चुके हैं अच्छा मुझे इसमें थोड़ी सी दो चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्या गलती है वो तो कारोबारी लोग हैं आज मैं और आपको कहें कारोबार करें तो करेंगे ना तो वो तो सही थे गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ मसला ये यह होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ हमारी ऑटो इंडस्ट्री भी आज जहाँ खड़ी है ना वो इसलिए खड़ी है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी कभी कॉन्स्टेंट नहीं रही इट्स अ सी सॉफ हमारा हम साया मुल्क है उसके बारे में लोग बड़ा खुश रहते हैं और बड़ा डिस्कशन करते हैं अक्सर कि फ़लानी गाड़ी वहाँ इतने की है यहाँ इतने की वहाँ इतने की अक्सर आपने भी पोस्ट देखी होंगी नाइन्टीज़ में ना जब हम यंग थे जवान हो रहे थे तो हम वहाँ पर जब मूवीज़ देखते थे तो हम बड़ा हंसते थे कि इनके पास वो पुरानी पुरानी डड्डू गड्डियाँ ने सारे को बी एम डब्ल्यू है मरसडीज़ है वी वॉज सुपरड बच्चे थे ना उस ज़माने में उसके बाद से आप देखें दोनों की पॉलिसीज़ को देख लें उन्होंने इंपोर्ट एसोसिएशन पॉलिसी रखी उन्होंने कहा जो बनेगा इधर बनेगा हमने एक आया उसने कहा जी तीन साल की इम्पोर्ट खोल दो अगला आया उसने कहा जी पाँच साल पुरानी इम्पोर्ट खोल दो मुशरफ साहब आए उन्होंने दस साल पुरानी इम्पोर्ट लोगों ने कहा वाह वाह कमाल हो गई गड्डियाँ सारा जापान तक गंदा इधर ले आओ फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे खान साहब आए उन्होंने अक्टूबर में नारा लगाया कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी कमाल है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी करेगा वो कमाल हो जाएगा चीन महीने बाद स्टेट बैंक ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है तो कैपिटल फ्लाइट हो रही है फिर वो गंडासा पकड़ा शौकत तीन साहब ने उन्होंने कहा ऐसी दी तैसी मैं गड्डी नहीं आन दे उन्होंने कहा जी कोई गाड़ी नहीं आएगी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी हराम हो गई है बैंकों के साथ भी यही हुआ पहले उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है दो में उन्होंने कहा कि जी हर बंदे को गाड़ी मिलेगी दस लाख डाउन पेमेंट से बैंक गाड़ी दिया करेगा आज हम जब बैठे हुए तो हमने डिसाइड ये कर लिया कि हमारी प्रायोरिटी गाड़ी है ही नहीं हम तीस लाख से ऊपर किसी बंदे को लोन लेने नहीं देंगे टोटैलिटी में समझ रहे हैं तो वो हमारी जो सीस ऑफ पॉलिसीज़ है ना उसकी वजह से ये सारा कुछ ख़राब हुआ एंड अगेन आज अगर आप बसें मंगा लेते एक ये जो हमारे यहाँ बदला सिस्टम है ना आपने बस मंगा ली आपने अच्छी नीयत से मंगाई जिस दिन मेरी गवर्नमेंट आएगी ना मैं आपको ट्रांसपोर्ट सेक्ट्री को सबको अंदर करवाऊँगा आप सारी उम्र के लिए अंदर बैठे रहेंगे हमारे लम्स का लाल कदवाई साहब शायद आप जानते होंगे वो भी बेचारा इस चक्कर में काफ़ी अरसा वो फुल ब्राइट पे भी था हमने पिछले कुछ साल बहुत ज़्यादा ज़ाया किए हैं इसी घटिया हरकतों में बदला लेने में ना हाँ। कि मैं तो तेनों खिंचू फालतू का बट एज अ पॉलिसी डोंट यू थिंक कि हमें ऑटो गाड़ी कम करना दैट बी अ प्रायोरिटी कम करना इज नॉट अ प्रायोरिटी गाड़ी की इंडस्ट्री आपने लगाई है वो तेरह कंपनियाँ हैं उनसे भी काम चल रहा है अभी तो हमारे पास डेंसिटी कोई नहीं है यार गाड़ियों की मतलब हर हजार बंद के ऊपर एक गाड़ी है दुनिया में ग्यारह सौ गाड़ियाँ पर सौ बंदा भी हैं ऐसे अमरीका में जाके लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा गाड़ियों की कंजेशन ऐसा कुछ नहीं है आप अपना वो एलेदर इंडस्ट्री है आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनानी है बनाए मैं आपको तो बनाते क्यों नहीं है। सर आप बट कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं लाहौर स्पेसिफिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में लाहौर स्पेसिफिक स्पेसफिक पाकिस्तान स्पेसिफिक करेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा ना बिकॉज अगर आप बलोचिस्तान जा रहे हैं उधर कम होगी लाहौर में बहुत ज्यादा होगी सो वील है देख लेना मैं आपको बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ लंडन भी रहा हूँ पढ़ाऊँ वहाँ पे इतनी थी सड़कें उनकी कारों की डेंसिटी हमसे बहुत ज्यादा है इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ कार्स ज हाउ यू ड्राइव इट आपकी रोड एजुकेशन नहीं है आप उस पर काम नहीं करते आपके मुल्क में लाइसेंस लेना सब्जी लेने से ज़्यादा आसान है बल्कि लाइसेंस लेते नहीं है लोग गाड़ी चलाते हैं लोग ठीक है तो उसकी वजह से होता है मैं जो आपसे पॉइंट कह रहा हूँ वो ये है कि भाई पॉलिसी कौन बनाएगा जब मुझे पता है कि मैं मुल्क के पैसे बचाने के चक्कर में बसों के करूंगा और उसके बाद मैं नैब के चक्कर काटूंगा और लटका रहूँगा मुझे क्या ज़रूरत है छोड़ देना आप, आपकी मैं राय जानना चाह रहा हूँ कि आपको अगर आपसे मैं पूछूँ कि आपकी राय में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंक्रेज करना चाहते हैं गाड़ियाँ महंगी करें गाड़ियाँ कम करें डी इंसेंटिवाइज़ करें मल्टीपल लोग अगर कारपूल कर रहे हो उस चीज़ को इंसेंटिवाइज़ करें लेन्स अलग करें क्या सोल्यूशन हो सकते हैं दो चीज़ें अगेन मैं आपको बता रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो दर इज अ विन विन सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि अगर मैं इस पाई को छोटा करूँगा तब ये बड़ी होगी समझ रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट हैं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑटो इंडस्ट्री से पाए निकाल के उधर शिफ्ट नहीं करना कि जी मैं उसको करूंगा तो वो बेहतर हो जाएगी पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं सो देर इज अ रोम फॉर डिमांड ऑन ऑटो सेक्टर ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली हम उस पर भी बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट उसमें क्या रोल कर सकती है पहली बात अगेन कार पुलिंग के लिए वो आपको जो है बेहतरी कर सकते हैं पॉलिसी ला सकते हैं बट अगेन मैं बता रहा हूं आपका वर्ल्ड वैल्यू कब रखता है जब आप अपने वर्ल्ड पर कायम रहें ठीक है जी जब इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई थी तो बताया गया था कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ्री होगी उसका मोटर वे पर टोल फ्री होगा कहाँ फ्री हुआ तो आज एज ए गवर्नमेंट आप कहें जी कार पोलिंग कर दो मैं अपनी गाड़ी आज भेज दूँ कल को आप कहेंगे नहीं वो तो गलत क्या गलती से कैलकुलेशन गलत हो गई थी दूसरे गंडासे ने कहा कि अब ये नहीं करना आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं और जब आपके अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे यही वजह है कि आप जब कोई पॉलिसी लेके आते हैं बेशक वो पोलियो की मुहिम हो दुनिया में कहीं हेल्थ वर्कर्स के ऊपर अटैक होते हैं एक वजह है ना उसकी यहाँ पे पाकिस्तान आपने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की ना कैसे उसामा बिन लादेन का exactly. exactly मेरे अबू तो नहीं दिया था एग्जैक्टली exactly. हाँ हाँ पोलियो के थ्रू लिया था आपने अमेरिका ने मरवाया ना हमें हाँ पोलियो के थ्रू लिया था जी 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 हो गया उसके बाद आपने जब कोविड की वैक्सीन लगाई तो लोगों ने कहा जी पता नहीं क्या हो जाएगा मैं साढ़े बेचो की करना है दुनिया ने आई एम नॉट एंटी वैक्सीन नहीं वो बट मैं जनरली मैंने आपको उस टाइम भी कहा था मुझे ना कोई शौक था लगवाने का ना मुझे इसका कोई फर्क पड़ता था बट मैं लोगों से ये सवाल पूछता हूँ नहीं जी वो ये हो जाएगा ऐसी थेरीज आई थी फाइव जी रेस की वजह से हुआ है और आपके अंदर एक ऐसी वैक्सीन डालेगी कि आपको बगैरत बना देंगे आपके अंदर सूअर की चर्बी आ जाएगी पता नहीं क्या क्या था वाई वुड दे द ड्यूटी उन्हें क्या ज़रूरत है फ्रेंकली स्पीकिंग कभी ओपन आंखों से सोचें जो हमारे मुल्क में सर्कस चल रहा है पिछले कई सालों से अगर आप दुश्मन हो तो आप तो बैठ के आपके लिए तो पॉपकॉर्न टाइम है बैठ के इंजॉय कर रहे हो गाने उच्चे करो देखो की हो रहा है तो वो तो हम खुश होकर वैसे जो मर्जी करते हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑन के वो कैपिटलिस्ट हैं उनको आप जहाँ फ़ायदा नजर आएगा वो करेंगे बट चलिए हम बोले गवर्नमेंट ने इंसेंटिव सही नहीं दिए यू फील कि ये बार बार जो शिकायत करते हैं कि टोटा अगर हमें तंग किया हम पे टैक्स लगाए हम बंद कर देंगे इंडस मोटर्स के आते रहते हैं कि भाई हम बंद कर देंगे तो बंद कर दें हमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिल रहा है यार उसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं पहली बात तो मैं गिर हमेशा ये कहता हूँ कि जो कारोबार है आपने आप मैं और आप कोई भी गेम खेल रहे हैं क्रिकेट है चेस है जो भी हम पहले रूल डिफाइन करते हैं जब वो रूल डिफाइन हो जाते हैं फिर हम उस रूल से खेलते हैं जो रूल से बाहर जाएगा उसको फाइन होगा नुकसान होगा आई हैव टू प्ले बाय रूल सो ऑटो इंडस्ट्री को आपने रूल दिया कि ये करना है लोकलाइजेशन करनी है फ़्लां करनी है आपने बोला कि जी मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा दो साल की इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं होगी उससे पुरानी गाड़ी आप अपने वर्ड पर बैग किया आपने पाँच किया फिर दस किया फिर दस किया उनको अलबाइ मिल गया इनफेंट इंडस्ट्रल आगूमेंट है ना कि वो एक इन्फेंट mm. बड़ा ही नहीं वो चलने लगता है आप थोड़ा मार के उसका वॉकर खींच लेते हैं mm. वो फिर चलने लगता है फिर नहीं लेते हैं इन रिसेंट पास्ट 2016 में जब पहली ऑटो पॉलिसी आई तेरह कंपनियाँ आ गई अगर आपको बहुत बुरी लगती थी हुए तो नहीं थे हम सारे नाला थे हमने उनको बुला बुला के एफ के नाम पर उनको उधर लेके आए पकड़ पकड़ के फीते काटे उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट की प्लांट मशीनरी में पाकिस्तान में ला गाड़ी बनाने के लिए अब वो एन नहीं है ठीक है उन्होंने कंपनी बनाई है उन्होंने गाड़ी बेचनी है उन्होंने प्रॉफिट भी बेचनी है सही है आपने अभी ये फिर पिछले साल से मई से लीगल इंपोर्ट एल नहीं खुल रही उनकी ठीक है तो वो क्या करेगा आप जाके उन्हें कहेंगे जी आपने लोगों से पैसे लिए मैं गाड़ी बुक रही गाड़ी दे दें वो क्या जी आप गाड़ी इंपोर्ट नहीं होने दे रहे किट नहीं आ रही मैं गाड़ी किसको दूँ अब पिछले दो साल से लोग उनके पास बहना है मुझे नहीं पता कि किट है नहीं है बट बहाना तो दे दिया ना आपने और बड़ा लेजिटिमेट बहाना है सो ये एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म ही नहीं होगी वो पाकिस्तान से एग्जिट करेंगे उनका क्या नुकसान होगा मैं आपको बता देता हूँ देखिए जितनी भी कंपनी हैं उनके रोड मैप में या उनके उसमें पाकिस्तान के नंबर्स को बहुत बड़े नहीं होंगे उनका कोई नुकसान नहीं होगा नुकसान किसका होगा हमें नज़र आती हैं तेरह कंपनियाँ है। तेरह कंपनियों के पीछे हम ये नहीं देखते पूरी वेंडर इंडस्ट्री है उसके नीचे पूरी एक चेन है जो कि 8000, 9000 वेंडर इंडस्ट्री है उसके नीचे और लोग काम कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं बट इसका ये मतलब कहीं नहीं है मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई आपको महंगी गाड़ी दे रहा है तो वो इसकी कॉस्ट पे दे दे के 8000 लोगों का रोज़गार महंगी गाड़ी पे लगे उधर दूसरा आर्गूमेंट है उधर आर्गूमेंट ये है अगर आपको लगता है एक्स वाई जी कंपनी आपको महंगी गाड़ी दे रही है इस फ्री इकानमी आप ना ख़रीदें वो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे तो गारा के नहीं दे जा रही गाड़ी यू थिंक एक्स कंपनी जो है वो गाड़ी बना रही है और वर्थ इट नहीं है ठीक है डब्बा है वैल्यू टू मनी नहीं है आप ना ख़रीदें वो तो कारोबार कर रहे हैं उन्होंने क्या इलीगल किया वो अपनी गाड़ी बना रहे हैं उन्होंने प्राइस डबल कर दी आप लेना छोड़ दें सप्लाई डिमांड की सिंपल सी स्टोरी है वो बिकना बंद हो जाएगी क्रिटिसिज्म इज़ ऑन हाउ द गवर्नमेंट इंसेंटिज आप लोग लोगों को ऑप्शन नहीं लोग क्यों गाड़ियाँ लेना उनके लिए ज़रूरी बन गई है आपने एक कंडीशन ऐसी बनाई है जहाँ गाड़ी लेना ज़रूरी है या बाइक लेना जरूरी नहीं अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी कंडीशन बनाई है कि बाइक लेना ख्वाब नहीं दूर हो गया ख़्वाब से महंगी हो गई है इसलिए सो so, एक आम आदमी जो है वो नई गाड़ी तो नहीं ले सकता मोटरसाइकिल की प्राइस भी ऐसी होगी कि आपको पता सी डी सेवेंटी कितने की है किसी भी कंपनी की पाँच नहीं नहीं यार इतना नहीं भी नहीं हुआ आप तो, आपने ऐसे इसका नहीं मतलब ये बंदा पैसे वाला आदमी है मतलब इसका गैस देखें मोटरसाइकिल पाँच लाख की मैंने 70, पहले बोला था आपने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो होंडा सेवेंटी है ना जब होंडा नहीं काट देडा किसी का नाम क्यों लेना सेवेंटी सीसीज मोटरसाइकिल जो है ना बहुत देर बाद जाके सत्तर हज़ार की हुई थी बहुत पीक पे जाके तीस पैंतीस बड़े सरी फिर सत्तर हुई इस टाइम पे तकरीबन डेढ़ लाख रुपए की है मैं सही था मैंने पहले डेढ़ बोला था, था मैंने पहले डेढ़ की है ठीक है अब आप अंदाजा लगा ले आम आदमी तो नहीं ले सकते तो गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करे कि आप गाड़ी ना लें वो तो महंगाई के थ्रू ना बट अगर लेट्स आप कहते हैं भाई हमारे डॉलर शॉर्टेज है आपने फ्यूल की भी बात की इज इन दिस ऑल्सो एडिंग टू आर बैलेंस ऑफ पेमेंट के यार बड़ी आइटम के ऊपर आपकी पेट्रोल है भाई पेट्रोल के साथ पे गाड़ी अभी तो अगर आप सामान इम्पोर्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ असेंबली कर रहे हैं not... नहीं सिर्फ असेंबली नहीं है देखिए अगेन हमारे यहाँ पे मैं जनरली एक बात जब आपने से वो वो इस... बताया नहीं नहीं वो 80 -20, मैंने एक हाइपोथेटिकल बात की थी जो Most आपकी आ, आपकी, ऑटो पॉलिसी जो आई थी ना 2016 में पहली ऑटो पॉलिसी हमें 2016 लगी 47 से एक साल गिन लीजिएगा पहली कॉम्प्राउस ऑटो पॉलिसी आई नूनली की गवर्नमेंट थी क्रेडिट शुड भी गिवन वेर इज ड्यून खान साहब की गवर्नमेंट है उन्होंने उसको कंटिन्यू किया जो कि पहली दफ़ा हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली और रजाक दाऊद साहब को मैं सलूट दोनों हाथों से पेश करूंगा ही वॉज कॉमन मिनिस्टर एंड ही उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया कि नहीं यही रखेंगे जो कि अच्छी बात थी आपने उनमें उनको एक रोड मैप दे दिया कि भाई आप पाँच साल बाद अगर लोकलाइजेशन नहीं करेंगे उनके लिए गाड़ी वायबल नहीं है और जो कि ऐसा ही है तो अभी पाँच साल हुए नहीं ना हमारा सबर ख़त्म हो जाता है पहले सोलह में पॉलिसी आई थी पहला प्लांट की जो प्रोडक्शन मार्केट में आई वो तकरीबन अठारह में आई अठारह और पाँच तेईस होता है पाँच साल हो गए For the, some have, उनकी लोकलाइजेशन अगर वो नहीं करेंगे उनकी गाड़ी अवेलेबल नहीं रहेगी तो वो पॉलिसी ऐसी पांच साल में लोकलाइज करें नहीं करेंगे तो नुकसान होगा अब आज हम उठ के कह देंगे नहीं जी ऐसी की ऐसी ये तो इंडस्ट्री बड़ी बुरी है और ये गाड़ी नहीं दे रहे दोबारा पोर्ट खोल दो उनको फिर बहाना मिल जाएगा तो कहीं तो आपको सबर करना पड़ेगा ना कहीं तो अपने वर्ल्ड पर कायम रहना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या देखें मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो है ना रेगुलेटर उसका रोल ये होता है कि वो देखे कि कहाँ 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 वो आपके स्क्रू टाइट कर सकता है कहाँ लूप बोल रहे हैं हर पॉलिसी का टर्न अराउंड होता है दुनिया में हर पॉलिसी को लोग एक्सप्लोइ करते हैं आपका काम एज़ अ पॉलिसी मेकर उसको अपडेट करना है बट हमारे यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बिज़ी हैं कि उनकी मराहत उनकी गाड़ियाँ उनकी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अवाम जाए भाड़ में आप मुझे रोड मैप दें कि यार आपके जहन में क्या रोड मैप है अगर हम 100 परसेंट लोकली मैनुफेक्चर गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं क्या करें रोड मैप ये होना चाहिए कि आप उनको सिंपल सी बात है आप ये ऑडिट कर सकते हैं आप वो प्राइवेट फॉर्म लोग कहते हैं जी प्राइस कंट्रोल प्राइस कंट्रोल आपका काम नहीं है आप डंडा लेके उनके सर पर नहीं बैठ सकते आप ये कर सकते हैं कि जी लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट होनी है आपने आज तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या की हमें प्लास्टिक के पार्टों पर लगाए हुए हैं इंजन गेयर सस्पेंशन ये क्यों नहीं है आप लोकल हो रहा हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है अगर है तो आप यहाँ से क्यों नहीं ले ले मैं आपको बताता हूँ किस तरह पैसा ट्रांसफर करते हैं चलिए शायद इससे मेरे लोग बड़े नाराज़ होंगे ऑटो इंडस्ट्री वाले लेकिन आए मैं हमेशा इस बात बिलीव करता हूँ कि आप जो आपको लगे आपको बताना चाहिए मुझे लगता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग की जाती है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है कि जी एक पार्ट पाकिस्तान में बन सकता है बट वो जहाँ से उनकी कंपनी है प्रिंसिपल कंट्री वहाँ से मंगाया जाता है और यहाँ पर लगा के बेचा जाता है एग्जाम्पल है एक चीज़ दस रुपए की पाकिस्तान में बनती है आप सौ रुपए की मंगाते हैं बाहर से और कस्टमर उसके पैसे देता है नब्बे रुपए एक्स्ट्रा दिए ना आपने तो इनफिशेंसी है ये इनफिशियंसी पकड़ना किसका काम है सरकार का काम है आप कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क में कैपेबिलिटी है हमारी इंडस्ट्री है आप यहाँ से क्यों नहीं ले रहे उस लिहाज से काम होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है कि जी वैल्यू चेन में आप कह दें वो भी बात है कि जो मैं अगर बैठे कह रहा हूँ ट्वेंटी एटी रूल बाय नंबर ऑफ पार्ट्स है आप कह दें जी एक्सपैक वैल्यू कर दें कि गाड़ी के सेवेंटी परसेंट ऑफ वैल्यू जो पार्ट्स है पाकिस्तान में बनने होंगे रोड में पैसे बना सकते हैं आप उसको कर सकते हैं ना थोड़ा टाइम बजाय से आप उनकी एल सिया खुलने दें वो भी आपने उनका कारोबार तबाही किया हुआ ना वो तो चले

कोई ऐसी गाड़ी नहीं बन सकती कि जिसका चेसेज नंबर सरकार के पास नहीं है चले एक और फैक्ट बता देता हूँ लोगों को बड़ा शौक है ऑटो इंडस्ट्री को गालियाँ देने का आपको भी और मुझे भी कोई गाड़ी हम कहेंगे महंगी लुट के खा गए आपके ख्याल से गाड़ी का जो है कोई भी गाड़ी एक करोड़ की है उसका टैक्स पोर्शन क्या होगा थर्टी परसेंट फोर्टी एट टू फिफ्टी परसेंट ऑफ दैट कार रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेड इकोनमी है अपने अड़तालीस रुपए के ऊपर लात क्यों मार रहे हो बंद हो जाएगा फिर कहाँ से लेके आएंगे फिर वही काश्तकार नॉन फाइलर प्रॉपर्टी एमनेस्टी स्कीम है उसी पे जलना ज़्यादा जिंदगी ये नॉन फाइलर वाली नॉनसेंस क्या है नॉन फाइलर वाली नॉनसेंस वो है जो कि मेरे है? और आप जैसे फाइलर का खून जलाने के लिए रखी गई है मैं और आप वो बेवकूफ़ हैं जो अपनी सैलरी के ऊपर पैंतीस से चालीस परसेंट फॉर द हाइस्ट ब्रैकेट देकर आते हैं ठीक है और हर तीन साल बाद जिसने हलाल हराम करार दिया और रिगार्डलेस ऑफ द पोलिटिकल पार्टी हर बंदे ने एमनेस्टी दी है अखबार में जिस दिन इश्तहार आता है तो दिल करता है अपने आप को चपेड़े मारें आप कह सकता हूँ कोविड के दौरान सबसे लंबी एमनेस्टी दी गई पाकिस्तान जिन्होंने दी थी उन्होंने कहा था कि उसको देने से बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता उससे पिछले वालों ने भी ये कहा था उससे पिछले वालों ने भी ये कहा था कोई गाड़ियों की देता है कोई प्रॉपर्टी की देता है वो दे ही जा रहा है तो उससे होता क्या है डिस्करेजमेंट होती है आपको और मुझे जो टैक्स दे रहा है क्या मैं क्यों दे रहा हूँ सो कल बैन करते हैं राइट कि नॉन फाइलर गाड़ी नहीं नॉन फाइलर को गाड़ी का अलाउ नहीं होनी चाहिए नॉन फाइलर को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी नॉन फाइलर को वोट का राइट नहीं होना चाहिए अगर आप इस मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क का कारोबार चलने के लिए टैक्स नहीं दे सकते तो आपको कोई राइट नहीं है आप बैठ के फेसबुक पे कीबोर्ड वॉरियर बने ठीक है आपको कोई राइट नहीं है कि आप जो है उस वैक्सीन के ऊपर जाके वैक्सीन लगवाएं जो कि आई उस मुल्क से है जिस मुल्क के ऊपर से आपके ताल्लुक आ टैक्स पेयर की वजह से हैं कैविड ऑफ द मिनिमम बिकॉज अगर मेरा पान वाला नॉन फाइलर है या अगर सड़क पर नॉन फाइलर है वो बेचारा तो ऐसी फाइल उस पान वाला मोबाइल यूज़ करना जानता है It's not नॉट ईजी मतलब आप जो बता रहे कि ऑटोमोबिल कैन मेक दर एक्जेज ही कैन मेक दर एक्सक्यूज आपको ना टैक्स फाइलिंग भी आसान नहीं की भी पाकिस्तान में आपको रीजन बताऊँ तो ईजी नहीं की थी आपको बताता हूँ देखें फिर वही बता रहे हैं। गलती की बात हो रही है कहाँ देखें मैं कुछ सियासतदान नहीं मैं तो एक आम एक आम जो शहरी हूँ मैं आपको बताता हूँ हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है ना हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं हमें लोगों को टैक्स फाइलर बनाना है कोई बंदा बगैर रिश्वत के एंटी एन दिखा बड़ा लोग बुरों को बुरा लगेगा नीचे आएंगी कई लाइनें मुझे पता है जो चार पांच मेरे आप जैसे ऑनेस्ट अफसर होंगे बेचारों का वो लेगा बट मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ इट्स अ नोन फैक्ट तो डेटा इकट्ठा करना आईडी कार्ड बनाना किसकी ज़रूरत है सरकार ने बिल्कुल मैंने कल अपने बच्चों के वो कार्ड बनाए अंग्रेजी पता नहीं क्या वर्ड था जूवनाइन क्या था वो कार्ड जूवनाइन ठीक है पाँच हज़ार लगा क्यों जी क्यों मैं पाँच हज़ार आपको डेटा देने का दूँ कि मेरे ये बच्चे हैं वो इस मुल्क के शहरी हैं आपको बल्कि चाहिए आप मरदम शुमारी पर लाखों रुपये लगा रहे हैं तो मैं तो आके दे रहा हूँ कि ये मरदम शुमारी है क्यों मेरे से पाँच हज़ार रुपये ले रहे हैं पासपोर्ट बनवाने चले जाएँ अच्छा उसमें भी एक नई टीयर सिस्टम मैं कहता हूँ एम बी ए का बेहतरीन इस्तेमाल पासपोर्ट और आई डी कार्ड में किया गया है अर्जेंट एक, एक नॉर्मल है फिर, फिर अर्जेंट है फिर अर्जेंट के ऊपर भी अर्जेंट है सुपर से भी ऊपर है समझ रहे आप जितना टैक्स लगा रहे हैं ना टैक्स अदर टैक्स अदर से भी अदर टैक्स लग गया अब सुपर टैक्स लग गया है इसी तरह अर्जेंट से ऊपर अब आ गए एग्जेकटिव और जब आप जाते हैं ना वो आपको मौत दिखा के बुखार पर राजी करते हैं सर पासपोर्ट बनाना है हाँ जी ट्रैवल करना है नहीं पहन तस्वीर लेखने बना रहे ओवल ट्रैवल के लिए बना रहे हैं कब करना चाहते हैं जी अगले तीन चार महीने में तो सर ये नॉर्मल तो साल तक नहीं आएगा अच्छा जी क्यों जी वो, वो कॉपियाँ ख़त्म है अच्छा तो अर्जेंट बना दें सर अर्जेंट आ जाएगा छः महीने में एक्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जैजन समझ आते हैं अच्छा सर हल क्या है सर फिर वो एग्जैक्टिव बनवा लें मेरा सवाल ये कि वो कॉपी तो एग्जिस्ट करती थी ना जिस पर प्रिंट किया गया तो जहाँ पे सरकार है ऑफ रिसोर्स वैल्यू पे चल रही पूरा मुल्क भी चल रहा है तो फिर ऑन पे क्यों गाली देते हैं और इसके साथ साथ भी एक पैरेलल इंडस्ट्री है कि आप जब पासपोर्ट ऑफिस में एंटर हो रहे होंगे बाहर एक बंदा आपको मिल जाएगा सिटी आएगी क्यों जा रहे हैं आप कहते रहो सिटी आएगी इधर आज हो सकता है वो आपको उसी दिन बना के भी दे दे देखिए तो सर ये तो हमारे मुल्क में डिजिटाइजेशन और ये जो एजेंड माफिया ये दोनों हैंड इन हैंड नहीं जाते लेकिन कमाल ये है हमारी कॉम का मतलब कई लोग जो बताते हैं ना मीम्स के कर्जा कैसे चढ़ गया तो मैं सोचता तो हूँ बाकी कैसे कर्जा चढ़ गया कि डिजिटाइजेशन के होते हुए भी हमने एजेंट माफिया को जिंदा रखा वो ट्रांसफ़र ऑफ कार हो वो पासपोर्ट हो आई कार्ड हो सब डिजिटाइज हो गया लेकिन एजेंट अवज भी है और कई केसेज में जो गवर्नमेंट अपनी फीस ले रही है जिसमें लोग चीखे मारते हैं उससे ज़्यादा जो है ना जो कहते हैं ना आउट ऑफ बुक जो एक्सपेंस जाता है जिसको खर्ची कहा जाता है और वो हर चीज़ में है एक्साइज हो पासपोर्ट हो अगेन देर इज़ अ आइडिया फॉर ऑल दोज बिग ब्रेंस के ये कैन ऑल्सो इंटरलाइज दैट कि वो गवर्नमेंट की फीस में एजेंट फीस भी डाल दें हम वापस पाकवीज पर आ जाते हैं हम बहुत इधर उधर हो गए आप लोगों ने कोई फंडिंग उठाई इज इट ऑल सेल्फ यर वी रेज बैक इन टू थाउजेंड ट्वेल्व बाई दैट टाइम वो सबसे ज्यादा जो है ना लार्जेस्ट डिस्लोज फंड थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की फ्राम मलेशियन कंपनी और बी सी हाँ बी सी फंडिंग थी

टेन एक्स फिफ्टीन एक्स ट्वेंटी एक्सपे डॉट कॉम उस टाइम पे ट्रेड करती थी तो वो एक थम रूल था जिसके ऊपर किया गया था और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जरूरत नहीं पड़ी मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ ट्रैप ऑफ फंडिंग उसके बाद फैशन बन गया था कि जो जितनी ज़्यादा फंडिंग लेके आएगा वो उतना बड़ा आदमी है शायद उतना काम है अभी जबकि ऐसा नहीं है इट्स जस्ट सिम्पली देट अगर आपकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी चलती है तो आपको मुझे पार्टनर करने की ज़रूरत नहीं है आपने नया इक्वमेंट लेना है आपको जगह चाहिए आप कहेंगे सुनील साहब आप इसमें पैसा डालें और इतना पैसे ले लें सिंपल ये है तो मैं कहूँगी जी आपने मेरे से ज्यादा पैसे फंडिंग रेज कर ली और आप अपने आप को कहें जी, मेरे से बड़ा पॉडकास्टर कोई नहीं मैंने इतनी फंडिंग रेज की है तो ये एक ट्रैप है लोगों को गलत लगता है यू आर गिविंग अवे योर इक्विटी विच इज योर आपका चाइल्ड है आपने उसको किया बट इट्स वेरी कहना ट्रिकी सिचुएशन है और उसके बाद अगर आप देखें तो काफी लोगों ने फंडिंग ली बट उसे कुछ किया नहीं आपने कितनी की है डायलूशन कियाट टाइम मेरा ख्याल इट वॉज अराउंड थर्टी परसेंट टाइम उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी चांक हाँ हाँ मतलब बट देख लेना उस टाइम पे बच्चा कितने साल का था 2003 से 2012 हजार नौ साल का था यहाँ तो ये था कि उस बच्चे की वैक्सीन के पैसे आपके पास खत्म हो जाए या आप उसको वैक्सीन लगा के टीके शीके लगा के जवान करें अगले ग्यारह साल सो ओवर इंस्पेक्शन वगैरह अगर एक फोरम है तो उसके इतने ओवर हेड्स तो नहीं होंगे ये अक्सर लोगों को ये लगता था कि जी एक पाकवील अभी भी कई लोगों को लगता है कि पाकवील के दफ्तर में क्या होना चाहिए एक कंप्यूटर होना चाहिए लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं और कई लोगों ने मुझे कई दफ़ा बताया कि मेरे सर पर डॉलर भी गुजरते हैं मैं आज तक गंजा नहीं हुआ पता नहीं कहाँ गिरते हैं वो डॉलर तो वो ऐसा नहीं है ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं इस इसमें बिलीव करता हूँ सो so, हमारी जितनी ऐप्स हैं हमने कोई कॉपी छापा नहीं किया हमारी इन हाउस है हमारी अपनी इंजीनियरिंग टीम है वी हैव इन साइड कॉल सेंटर और ये सारी चीज़ों की डिवेलपमेंट के ऊपर टाइम लगता है ह्यूमन रिसोर्स पर पैसा लगता है एंड येस इट वॉज अ कैश बर्निंग बिजनेस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू आर नॉट पेंग फॉर एनी सर्विस यू आर यूजिंग फ्रॉम पाकवीस तो पाकवील हैज़ टू तो पे सैलरीज पाकविल के ऊपर जो काम कर रहे थे लोग उन्होंने अपने घर भी चलाने हैं तो वो सबको सैलरी मिलती थी बट उस लिहाज से रेवेन्यू कम था एड सेंस का रेंस रेवेन्यू बहुत एक मिनिमल सा था और ख़र्चे ज़्यादा थे तो फिर ऐसा ऐसा आपको रेवेन्यू पिलर्स बिल्ड करने पड़े जो आपका क्लासीफाइड है उसमें फीचर एड एक्ट रेवेन्यू फिर आपके पास डिफरेंट पैकेजेज़ हैं वो रेवेन्यू है फिर आपके पास इंस्पेक्शन है उसका रेवेन्यू है फिर आपके पास ई कॉमर्स का रेवेन्यू है तो इस तमाम रेवेन्यू पिलर जब आप खड़े करते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता

क्योंकि आपने प्रडोमिनेटली तो प्रिंट एड को आउट आउट नंबर किया था ना पहले गाड़ियाँ आप अखबार आप तो बढ़ जाएँगे आपको नहीं याद होगा अपने वाले साहब से पूछेगा गाड़ी बिकती अखबार पे थी ठीक है तो लोग हंसते थे कि पागल हो गए ऑनलाइन कौन गाड़ी खरीदेगा ठीक है तो आपने उनको जो है ना डिस्प्लेस किया ठीक है तो जब आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया देर वॉज अ चांस बिकॉज वो बाय वर्ड्स चार्ज करते थे और नंबर मैक्सिमम तीन का था तो आप सबसे पहली चीज़ सोच सकते थे कि यार मैं पैसे मैं भी ले लेता हूँ बट शुरू में आपने लोगों की आदत चेंज करनी थी इट वॉज़ अबाउट चेंजिंग दर हैबिट्स इट टुक गुड स्वीट थ्री फोर फाइव ईयर इट इज़ बैक एंड टाइम जब आपके पास डायलप मोडम होता था आप फोन डायलप में लाते थे ऊपर से हमी फ़ोन उठा लेते थे डिसकनेक्ट हो जाता था डेस्क टॉप पर सारी ट्रैफिक थी फिर आहिस्ता आहिस्ता आहस्ता शिफ्ट हुआ तो अब मोर देन सेवेंटी परसेंट हैंडल अब तो दुनिया चेंज होगी ना उस जमाने में दो हज़ार तीन में सोचें कि पाक व्हील्स क्या था उस टाइम पर मैं आपसे कहता कि जी गाड़ी बेचनी है आपने कहा पागल हो गए निकल चली इधर से तो उस टाइम पर आप चार्ज नहीं कर सकते थे इस टाइम पे जब आपके पास ट्रैक्शन आई चार तीन चार साल बाद आपने कहा जी अब मैं चार्ज करूंगा तो मार्केट में कंपटीशन आना शुरू हो गया वो कंपनी थी क्या नाम था उसका कार मुदी आया ठीक है वो एग्जिट किया और भी कई लोग आए सो जब जब आप सोचते थे कि यार अब मैं जो इस पावर में आ गया हूँ कि मैं चार्ज करूँगा कोई ना कोई आ जाता था एंड देन यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेज तो इसलिए वो बड़ा डिलेड प्रोसेस था ये मॉडल्स तो सही लग रहे थे ये वाइवा और कार फर्स्ट ये क्यों नहीं चले पाकिस्तान में देखें अगेन आपको समझने की जरूरत है दुनिया में ना कई लोगों को ये लगता है कि हम कोई भी चीज़ उठाएंगे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो मैंने और आपने दोनों ने सीखा हुआ है मगर ऐसे ही चलता तो दुनिया की हर कंपनी जो है वो जितने जैक माँ और वही ऑन करते दूसरे लोग मर जाते ऐसा नहीं है रिस्क का एक निज़ाम है जो कि रब ने रखा है और हर बंदे को अपने उस पर कोई ना कोई एडवांटेज होता है जो लोकल नॉलेज पाक व्हील्स को पाकिस्तान की मार्केट के बारे में है जितना एक ब्रांड इक्विटी ओवर ईयर्स बन गई है वो कोई पहली बात तो बना नहीं सका दूसरी बात इट डजेंट कम फ्री इट कम्स एट अ कॉस्ट यू हैव टू वर्क फॉर अ बिजनेस फॉर एटीन ईयर विदाउट एनी थिंग टू ऑन दैट पॉइंट पहली चीज दूसरी चीज मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपको राइट टाइम पे राइट चीज़ बेचनी है अगर आप राइवन के बाहर खड़े होकर थ्री डी एन के बेचेंगे तो नहीं बिकेगी डिपेंड करता है नहीं बिकेगी तो ठीक तो तो है अगर वहां पे बयान थ्री डी में आ रहा तो लादा होता है ऑन द काउंट्रेरी अगर मैं किसी सिनेमा के बाहर जाके पॉपकॉर्न के बजाय वो बेचना शुरू कर दूंगा कि मिसवाक वो भी नहीं बिकेगी वो मुझे वहाँ बेचनी है ये मुझे यहाँ बेचना है सो so, पाकिस्तान की मार्केट गाड़ियों की मार्केट जो है ना वो सप्लाई कंस्टेंट मार्केट है जिसने आपने खुद बताया आपको शायद गाड़ियों के फिर भी आपने कहा ना एप्रिशिएटिंग एक, एक, एसिड है वावा कार कार फर्स्ट इनका मॉडल क्या था खरीदो बेचो खरीदो बेचो ना वी बाय ओनली वो आप अपनी गाड़ी जा रहे हैं हमें दे दें और पाकिस्तान में तो हर बंदा गाड़ी को प्राइस बॉन्ड समझता है तो क्यों दे देगा आपको ये चलता है वहाँ पे जहाँ पे एक्सपैट्स होते हैं जो जा रहे हैं उन्होंने गाड़ी फेंकी आप दुबई में आपकी नौकरी कहीं हुई आपने कहा दफा करो गड्डी बेचो आगे चलो एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट लोकल वो सारे बेचते हैं जाते हैं आप उनसे एक अमाउंट पर गाड़ी खरीद लेते हैं आगे बेच देते हैं पाकिस्तान में तो भाई जो लोहा बना है ना आपके दादा की गाड़ी थी उनके दादा की गाड़ी थी आपने कहना ना इन्हें पैसे दे जाने थे मैं बेचांगा और लोग बड़े से आने हैं आपका मॉडल क्या था कि जी आपने उनसे गाड़ी एक्स अमाउंट में लेनी है और उसको किसी डीलर को बेचना है उसकी टागें टूटी हैं वो डीलर को जाकर डायरेक्ट नहीं बेच सकता था एक सप्लाई कंस्टेंट मार्केट में आप ये चीज़ नहीं करते जहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो जहाँ पे 1100 सौ गाड़ियाँ पर 100 परसेंट लोगों वहाँ पे ये मॉडल चलता है तो ये यहाँ के लिए फिक्स ही नहीं था बट कॉपी पेस्ट कर दिया गया लोगों ने तनख्वाहें भी बटी काफ़ी याशी भी की लोगों ने हमारे भाई जो है कई उनको अच्छे इश्तेहार भी मिले हमने भी बाबा बड़े खुश थे नहीं मैं भी बड़ा खुश था मैंने उनसे कहा जाओ लूट लो गो लूट लो आपने भी स्पॉन्सरशिप नहीं नहीं मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं दी मैंने अपने दोस्तों से कहा बनाओ मुझे पता था कई लोगों का जो उनसे एड, उनके एड में आते थे लेकिन गाड़ी हमसे लेते थे मॉडल क्यों नहीं सप्लाई कंस्ट्रेंड मार्केट में जहाँ पे ऑन पे गाड़ी रही है मैं वहाँ पे जी मैं आपसे गाड़ी सस्ती ले लूँगा मुझे दो चपेड़े मार्केट साइड पर चले जाएंगे कस्टमर किसी का सगा नहीं होता भाई देखें सिंपल सी बात है उसने अपनी जीप देखनी लोगों ने उनको एज अ वेटर जरूर यूज़ किया फ़ायदा लोगों को ही हो गया पहले लोग डीलर के पास जाते थे वो शक्ल माएक कहता था बारह लाख वाली गाड़ी का वो नहीं सर ऐसे नज़रा तो गिरी है ऐसे दस दिए ठीक है, है? और वो बुरा बनता था अब एक कंपनी आई जो कि अपने आप को मल्टी नेशनल कह के, के बड़ा लोगों को चूना बेचते थे ये कि जी मल्टी नेशनल है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप मट्टी नेशनल मैं तो पैसे लेने पाए ठीक है मैं भी मार्केट में बैठा मैंने भी कई दफ़ा चेक किया कि क्या होता है जी गाड़ी जब बेचनी है तो कॉल सेंटर पर खातून उठाए के जी ये देखें हम मटी नेशनल बैंक बी बी स्टोरी ना सुना गड्डी की पेमेंट था दस मैं गड्डी बेचनी मैं मल्टी नेशनल थोड़ी खरीदनी है एवरीबडी इज लाइक दिस ना हम एक सोसाइटी हैं तो दस लाख की गाड़ी का वो नौ लाख लगाते थे बुरे भी वो बनते थे फिर जब आप डीलर के पास जाते थे वो कहता पैंने देखा ना वो गोरी कंपनी नौ लाख ला रही मैं दस दे रहे हैं आप कहते हैं हाँ जी साहब तुम्हें ले लो आए, और उस पर भी, भी नहीं बिकती भी। थी मैं उस पर भी लोगों को चैलेंज करता था कि एनी गिवन डे आप उनसे वैल्यूशन लगवाएं उससे थर्टी परसेंट ऊपर पे क्लासिफाइड पे ऐड लगाएं पाकिस्तान पाक पे लगाएं बिकेगा बिकॉज इट्स अ सप्लाई कंस्टेंट मार्केट वो चीज़ मार्केट में है ही नहीं आप दस रुपए की क्यों बेचते हैं आप तेरह रुपए का ऐड लगाएं बारह रुपए में आपकी चीज़ बिकती थी ऑल्सो हमारी हैबिट्स uh, भी नहीं है ना लाइक बाहर पीपल वुड प्रेफर के हैसल नहीं है ये ख़रीद लेगा हमें तो अच्छा लगता है नगोशिएट करना जाना मिलना निगोशिएशन हर जगह होती है आई थिंक हमारे यहाँ पे जो एसमिट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और लो ट्रस्ट है ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ के लिए कि हम एक दूसरे की बात पे बिलीव नहीं करते इसीलिए जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस है वो तो लाई ली गई थी कि इस मीटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन को खत्म किया जाए लोगों के तीन सौ सवाल हैं, रन थ्रू दम हिज टॉप पिक्स इन ईच लोकल कैटेगरी सिक्स सिक्सटी सी सी वन थाउजेंड तेरह सौ पंद्रह सौ अठारह सौ दो हज़ार सबसे आसान तो सिक्स सिक्सटी में है ही एक और वो मैं क्लियर बता दूं, मेरे से लोग पूछते हैं इंपोर्टेड लू लोकलू लोकल सिक्स सिक्सटी सी सी से अच्छी कोई गाड़ी नहीं है मैं खुद चलाता हूँ सुदू की ऑटो बड़े लोगों ने मीम्स मीमी बनाई है कि जी महंगी होगी तो सुनील साहब चला रहे हैं भाई इसमें क्या शर्म की वादा चला रहे हैं पेट्रोल अपनी जेब से देना ना कुआ तो है कोई नहीं हज़ार में हज़ार में लोकली गाड़ी पसंद तो कोई भी नहीं है किसी ने कर लेनी हो हज़ार सीसी में अब आता क्या है स्विफ्ट आती है पिकांटो आती है स्विफ्ट अच्छी और सागा आती है वो ग्यारह सौ बारह सौ स्विफ्ट में क्या बताया स्विफ्ट गाड़ी तो। अच्छी है कितने की है स्विफ्ट पता सिटी कितनी है कितने की है स्विफ्ट सिटी से चालीस पचपन लाख रुपए की स्विफ्ट इसलिए मैं हज़ार सीसी में भी कोई पसंद नहीं करता सॉरी आई एल बी वेरी यूनिवर्स मेरे पास पचपन लाख रुपये मैं कभी स्विफ्ट नहीं लूँगा मैं पुरानी गाड़ी ले लूँगा और यही आजकल मैं लोगों को बता रहा हूँ एंड एग्जैक्टली मेरा जॉब है कि मैं लोगों को ऑनेस्टी से बताऊँ अगर जो चीज़ मैं खुद करता हूँ मेरे पास पचास लाख होंगे मैं आज से दस साल पंद्रह साल पुरानी गाड़ी ले उसको रिस्टोर करके चला लूँगा और मैं आजकल रिस्टोरेशन सीरीज पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ अपने कॉन्टेंट में भी आजकल आप लोगों को रिकमेंड करेंगे नई गाड़ियाँ ना लें आई डोंट फाइंड इट वैल्यू टू मनी लॉर्ड ऑफ कास्ट येस सिक्स सिक्सटी मैंने खुद भी ली हुई अगेन जो बात बंदा खुद करे वो बेहतरीन वैल्यू टू मनी है उसके ऊपर ना तो मुझे हज़ार में कोई समझ आती है ना तेरह सौ में फिर ऊपर वाली कैटेगरी में येस दे रहा है टू थ्री गुड ऑप्शन मैं क्यों मुफ्त किसी मार्केट दे रहा हूँ भाई अच्छा चलें तो फिर ये कटा देते तो एक अगर कोई रिकमेंडेशन जनरली आप ऊपर की कोस बहुत सारी हैं वो जैसे वे कौरा करोला और यार करोला में जो प्राइस जिस प्राइस पे आ गई आई थिंक पीपल आर मोर ग्लोबली ने बहुत नहीं स्पोर्टी स्पोर्टी नहीं बहुत ज्यादा है छोड़ें किसी का नाम क्यों लेना का शुक्र है बहुत ज्यादा पता है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा उर्दू कर देती कि आपके इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं क्यों इतनी मोहब्बत है गाड़ियों से यार गाड़ियों से मोहब्बत मैंने जुनेद भाई की पॉडकास्ट पे भी कहा था कि आप डिफरेंट लोग होते हैं लोग डिफरेंट चीज़ों से मोहब्बत रखते हैं किसी का कोई पैशन है किसी मुझे गाड़ियाँ जो है ना आई सी कार्स एज ह्यूमन सो अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है और उसका बंपर टूटा हुआ है ना तो मैं उससे जाके आपकी बुराइयाँ करूँगा आई एम बींग ऑनिस्ट आई कैन टॉक टू कार्स फॉर आवर्स की आर कैसा तेरा ऑनर है और मैंने कई गाड़ियाँ सिर्फ इस चक्कर में ली हैं कि वो मुझे लगता था कि दे नीडेड ऑप्शन

और मैं वाई किसी ने धो दी उन्होंने भिजवा दी कार उन्होंने बोला वो चाबी दी नहीं गाड़ी इधर उधर करनी है मैं वापस गया तो आ गई वो कार वॉश हुई हुई थी यार आप उन लोगों में से जिनकी गाड़ी के मैट के ऊपर से घास निकल रही होती है अंदर से सही है बाहर से मसले, मसले भी ये ग्रास व्रास टाइप मसले नहीं है बस वो मिट्टी जो कराची का प्रॉब्लम है वो मिट्टी लग जाती है सो आई हैव टू टू गो द कार वॉश वो अगर मैं ना जाऊँ एक हफ्ता खुद क्यों नहीं धो लेते टाइम टाइम जिंदगी में बहुत कम है मेरे प्रायोरिटी की बात है भाई मैं कह रहा हूं जो व्हील्स की बात है तो मेरी बढ़ा लाइक इट्स नॉट लाइक आई विल वॉश माय कार एज अ पैशन ऐसा कोई सीन नहीं है आई वॉच 3 आवर्स एवरीडे ऑल द वॉश योर कार्स सुबह 7 से 10 एवरीडे एज अ पैशन एज अ पैशन एज अ नेसेसिटी एज अ कंजूसी जो भी कह ले बट आपको होता भी होगा ना कोई कैथारसिस भी फील लाइक आपको अच्छा एज आई टोल्ड यू आई टॉक टू कार्स सो व्हेन आई क्लीन देम आई टॉक टू देम किसी ने कभी कोई वापस कोई बात की बट करती है गाड़ियों से अच्छा तो कंपनी नहीं कोई नहीं मैं हमेशा कहता हूँ धोखा नहीं देती कभी इस तक गलत नहीं आता अबू नहीं मान रहे दोस्त क्या कहेंगे कज़न ने देख लिया ऐसा कोई डायलॉग नहीं आता गाड़ी के साथ जो रोमांस है वो पूरा पूरा होता आप एक कदम आगे जाते हैं वो दो कदम आपको आगे ज्यादा देते हैं मेरे तो गाड़ी के अंदर जो रोमांस हुए वो भी पूरे नहीं हुए मोस्ट ऑफ इंडिया सक्सेस स्टोरीज आर जेवीज और सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन बी एड स्वराज मजदा क्रस्कर टिटा अशोक लेलैंड मारुति सुजुकी हिरो कांडा कवासकी बाज कितना uh, लंबा सवाल पूछा है वाई कैंट वी टेक दैट रूट एंड एंश्योर इंडिजनस कंपनीज रिसीव टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर फ्राम अमेरिकन यूरोपियन और जापानीज कंपनीज सिंपल आंसर यही है अगर आप कंसिस्टेंट पॉलिसी वाला वही रूट लेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं आपकी पॉलिसी सीसो है नो इज इंटरेस्टेड इन कमिंग इन अ कंट्री जहाँ पे एक दिन एक चीज़ लाल एक दिन आराम एक दिन लाल एक दिन आराम कारोबार जो है ना वो चलता है कंसिस्टेंसी के साथ आपको पता हो जो इन्वेस्टर आ रहा है वो अपना पैसा डालेगा अगर आपको ये पता हो कि आप मेरे साथ पैसे डाल रहे हैं पाक व्हील्स के अंदर मैं कहता हूँ और आपको पता लगे रोज़ रज़ा और सुनी लड़ रहे हैं तो आप कहेंगे यार मैं पागल मैं हूँ मैं इधर क्यों जाऊँ मैं किसी पीसफुल इन्वायरमेंट में क्यों ना जाऊँ तो ये वजह है हमारे यहाँ पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं है हमारे यहाँ जो है बिज़नेस की पॉलिसीज़ ट्रेड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट एक जो है शीसो लगा हुआ है इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि अगर आप ऑडी का शोरूम चला दें तो कल को बहुत कमी है बोलिए हम पागल हैं हम इधर शोरूम बनाएँ हाँ पढ़ता है वो एक एक, एक आधा वाक्य थोड़े से तो थो शायद नहीं ही पड़ता हो लेकिन जनरली उससे ज़्यादा फ़र्क उससे पड़ता है मतलब वो सुसाइड बॉम्बिंग जो हम अपने ऊपर खुद करते रहते हैं हर दो साल तीन साल बाद पॉलिसी चेंज में आई थिंक दैट हैज़ फार मोर जिसे कहते हैं नेगेटिव नगेटिव इम्पैक्ट दैन एक शोरूम जल जाना दुनिया में हर जगह हो सकता है मतलब हमें एक आदत है जनरली पाकिस्तान में लोगों के हम अपने आप को ज़रा बुरी तरीके से देखते हैं बाहर के पार्लियामेंट में भी लोग एक दूसरे को जूते भी मारते हैं लड़ते भी हैं घुसे भी चलते हैं हमारे यहाँ पे तो एक दूसरे को तकरीर कर ली तो क्या हो गया तकरीरें तो सही है सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी कोई तो नहीं करना, का काम होना चाहिए अगर मैं होना चाहिए बट कहीं भी जा रहा हूँ अपनी दुकान लगा रहा हूँ तो लेकिन क्राइम हर जगह है लंदन में बहुत क्राइम है न्यूयॉर्क में बहुत क्राइम है इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती मैं बता रहा हूँ एक शोरूम का जल जाना एक वाकया हो जाना इतना नेगेटिव नहीं है जितना ज्यादा नेगेटिव हर रोज आप अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं वो है।

वो सिर्फ चंद अमीरजादों की लौंडी है आप देख लें सात आठ सौ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं उनमें से कोई भी ऐसी है जिससे इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगा सो so, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कभी भी महंगी महंगी ऑडीज़ पोशाज मर्सिडीज़ या बी एम पे नहीं आ सकता इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगा जब आम आदमी की जो सवारी है जो कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है उस पर इलेक्ट्रिक होगा उस पर इलेक्ट्रिक कैसे होगा अगर आप क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी से हम बात कर रहे थे कि शायद आपके थे नीचे आ जाना चाहिए बल्कि नई टेक्नोलॉजी तो महंगी है अभी भी मैं आपके पास जिस गाड़ी पे हूँ मेरे दोस्त की हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकिन मैं अगर आपको कीमत बताऊँ तो आप मुझे पेड़ मारेंगे रीज़न बीइंग कि वो एक नई टेक्नोजी तो वो महंगी है सही है तो इंडिया में जो ये छोटी छोटी ईवीज बन रही हैं स्कूटर्स बन रही हैं विच आर कम्पेटेटिव और चीपर तो वो हम देखिए यार देखिए अच्छा अगर आप इंडस्ट्री को समझे ना तो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है उसका एक डाई बनेगा और उस डाई को आप जितने यूनिट निकालेंगे उतना पर यूनिट कॉस्ट डिवाइड होगी इंडिया की आबादी क्या है एक अरब Hmm. हमारी वादी क्या है बाईस करोड़ उसमें से गाड़ी लेने वाले कितने हैं तो हम उनका तो वन टेंथ भी नहीं है तो अगर आपने वहाँ पे बंपर ही बनाना है तो इतनी गाड़ियों पर लग जाना कि आपकी कॉस्ट बड़ी कम है तो उसके ऊपर है एंड अगेन आई कोड स्ट्रेस मोर के हमारी जो पॉलिसी है वो स्विंग 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 वो जब चल रही है अभी भी आपको पता मजे की बात है एज बी टॉक इक्कीस ट्वेंटी वन जाके चेक कर लीजिएगा ई डी पी से इक्कीस टू व्हीलर कंपनी ने इलेक्ट्रिक का लाइसेंस लिया हुआ बट वो सारे डर के बैठे हुए हैं कि कल किस दिन हमारी पॉलिसी चेंज होगी हमारा रास्ते में कंटेनर होगा तो पता लगेगा ये हराम है ये हलाल है ये करेंगे ये नहीं करेंगे तो वो उस चक्कर में रह जाएंगे सर क्या लोगों आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि वो ऑक्शन में एक्सीडेंटल कार्स बाय करें उनको फुली रिस्टोर करके चलाएँ ऑक्शन में एक्सीडेंटल कार ना बाय करें मैं ही बता रहा हूँ अपनी जिंदगी से मत खेलें बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग जो है ना रोड वर्दी ने इसके ऊपर बिलीव नहीं करते बस कहते हैं गड्डी सही करो सड़क पे जाए वो ट्रेडी चल रही हो वेंगा जाओ चलाई जाते हैं उनको ये नहीं पता वो उनके लिए डेंजरस है बाद में एक्सीडेंट होता है एयरबैग नहीं खुलता फिर कंपनी को गाड़ियाँ देती हैं फेसबुक पर तीन चार ग्रुप बने हुए बड़े शौक से उधर लगा लेते हैं क्या हो जाता है किसी के कान पर जूँ नहीं रिखती तो आपने अपनी ज़िंदगी का खुद ख्याल करना है पुरानी गाड़ी ले लें मतलब ऐसी लें जो कि एक्सीडेंटेड ना हो रोड वर्दी हो ताकि कल को अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो तो आप जो है अपनी जिंदगी जो है ना वो वैसे तो जो मुकर है जिस दिन उस दिन आनी है लेकिन आप कोशिश करें कि मतलब एहतियात करें और अपनी जान को खुद ख़तरे में न डालें हिज थाट्स ऑन रीसेंट टाटा एंड महिंद्रा कॉर्ज इनियाडर्ड इनफीरियर इन इंडिया सर वो तो देखिए दुनिया अब ऐसी है ना एक ज़माने में जो था ना लोग कहते थे कि गाड़ी जो है अमेरिकन बनाते थे अमेरिकन मसल्स कार थी जब जापानी आए तो इन्होंने कहा जी ये फीमची कॉम है इन्होंने क्या गाड़ी बनानी जापानी ने दुनिया में आपको देखा डंका बजा के दिखाया उसके बाद कोरियंस आए तो जापानियों ने कहा कि जी कोरियंस को गड्डी बनाने नहीं आती फिर चाइनीज़ आए इस टाइम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चाइनीज बनाते हैं ठीक है टेस्ला इज़ एन एग्जाम्पल टेस्ला इज नॉट एन ऑटो मैनुफेक्चरिंग कंपनी इट्स आई टी कंपनी वो वही कहते कि हम हैं हम आई टी के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर से तो अब दुनिया बदल रही है तो आई डोंट थिंक कि अब वो चीज़ रह गई है पहले ये था कि जी लोग कहते थे जी रेंज रोवर नहीं लेनी वो टाटा दी गड्डी है आज पाकिस्तान में अभी भी स्टेटस सिंबल है रेंज रोवर के नहीं दुनिया में भी है सो ब्रांड इज़ समथिंग एल्स यू क्रिएट ब्रांड्स एंड देन यू उस ब्रांड के अंदर आप क्या पावर लेके आते हैं अनफॉर्चुनेटली जिसपे मुझे बहुत अफसोस होता है बहुत अफसोस होता है जितना कहा हूँ उतना ज़्यादा अफसोस होता है कि हम अपने मुल्क से ब्रांड्स नहीं बना सकें लोकल भी कोई नहीं बना सके अभी ये टाटा महिंद्रा आप सबको नाम पता है ना हमारे क्यों नहीं बने हमारे जो तेरह कंपनियाँ सारी बाहर की हैं लोकल कौन सी है ये कंपनियों में भी निकाल ले बहुत कम है क्योंकि हमें एक कॉम्प्लेक्स है वी डोंट बाई पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी चीज़ लेते हुए दूसरे को बताते हुए शर्म महसूस करते हैं अगर पाकिस्तानी की अच्छी चीज़ बने अब आइटम्स है वो पाकिस्तान हमने अच्छी अपने लिए नहीं ना दूसरों के लिए अगर ये सलवार कमीज मीस तीन सौ रुपये का बन गया तो ये तो फ़ायदा नहीं अगर यहाँ पे गुची की शर्ट होती तो फिर स्वैगी और होता ये बाहर से अगर ठप्पा लग जाए अगर पाकिस्तान में अब कूल लोग हैं वो आइटम्स खरीदेंगे न्यूयॉर्क जाकर क्योंकि वहाँ वहाँ यहाँ पे काम मेहनत नहीं करना बाहर जाते हैं बाहर जाके मेंटेनेंस इंजीनियर लग जाए इंजीनियर क्या होता है मेंटेनेंस इंजीनियर पता क्या होता है वो मैंटेनेंस कर बाहर जमरदार को मेंटेनेंस इंजीनियर कह देते हैं यहाँ पे काम नहीं करना बाहर जाके बर्तन भी धो लेने यहाँ कि जी औरत का काम है बाहर खाना भी बना लेना है यहाँ पर नहीं करना तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड अगर ना हो तो हर वो बंदा जो पाकिस्तान से बाहर जाता है अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है आप उसका लाइफ साइकिल देख लें वो कभी पाकिस्तान वापस ही आना चाहिए हर बंदा वापस आता है जो बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है आपके चालीस साल गुजारते हैं जब बुढ़ापा हो जाता है फिर वापस क्यों आ जाते हैं पैसा इकट्ठा करके हम रेमिटेंस पर चल रहे हैं ना हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस है ठीक है क्यों आती है रेमिटेंस अगर उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और हम इतने बुरे हो कि हम हमारे पास अगर हमारा कोई रिश्तेदार हो हम उसे मिलना नहीं चाहते या कोई दोस्त है तो हम दोबारा नहीं जाते ना उसकी तरफ से ज्यादा नहीं जाते उसकी तरफ हर ईद पर उसको तोहफ़ा तो नहीं भेजते वो रेमिटेंस क्यों भेज रहे हैं वो पैसे क्यों भेज रहे हैं वो पाकिस्तान में क्यों आते हैं उनकी रूट्स इधर ही क्यों हैं सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कहाँ से आती हैं यू ए से आती होंगी वही ना तो वो तो बेचारे लेबर क्लास है उसके पास तो ऑप्शन नहीं है वो जाती है नौकरी करने तो वहीं पे नौकरी करके वहीं पे क्यों नहीं उड़ा सकते वहाँ कैसे रह फैमिलीज उनकी बेचारी यहाँ हैं तो लेबर के क्लास के अलावा और पाकिस्तान से जाते हैं कि आपको ख्याल है पाकिस्तान से पी बहुत जाते हैं नंबर टोटल करके देख लें कैपिटल फ्लाइट की कैनाडा यूआई लगे सारे लेबर क्लास ही हाँ तो वो बेचारे क्या करें वापस ही आएंगे ना उनकी फैमिली शैमिली सारे यहाँ हैं वापस जाके वहाँ पैसा बना के फिर आते हैं लेबर क्लास में ही कह रहे हूँ वहाँ पे जाकर और जॉब्स भी कर लेते हैं यहाँ पे जब आते हैं तो हर बंदा पैसा जोड़ के ही आता है और उसके पैसे के रेमिटेंस के ऊपर हमारे मुल्क में बहुत चलता है और हम उनके लिए थैंकफुल हैं सही है तो पॉइंट ये है कि मैं ये समझा रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि जी यहाँ पे एक रह के क्या करना है मैं ये कहता हूँ यार अगर तुम तो मुझे ये बता दो कि जो गया वो दोबारा वापस नहीं आया तो फिर तुम भी चले जाओ ठीक है अगर वो वापस आ रहे हैं देन देर इज़ अ रीज़न कि वो सारी जिंदगी सारा तजर्बा करके वापस इधर क्यों आ रहा है सब तो नहीं आ रहे नहीं आ रहे कौन कह रहे नहीं आ रहे ask him why he is against ncp cars it's legal to have an ncp car in gilgit baltistan and some parts of swat bilkul usi rule ke तहत jiske तहत main non filer ke khilaf hu ncp car kya hoti hai ncp is a non custom paid car आपके मुल्क का एक rule है कि आपकी गाड़ी जो है different CC wise class क्लास है फॉर द इलेक्ट्रिक पचहत्तर परसेंट बनता है क्यूमुलेटिव फॉर द हाइस्ट ब्रैकेट जो है साढ़े पाँच सौ है मैं अगर साढ़े पाँच सौ परसेंट ड्यूटी दे के एक पुरानी गाड़ी मेरे पास है जो चला रहा हूँ आप नॉन कस्टम जीरो मीटर लेके चला रहे हैं तो आप मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं फिर आप तकीरें करें कि सियासतदान बुरा है ब्यूरोट बुरा है अस्किरी बुरी है हर चीज़ बुरा है तो आप किस मुँह से कह रहे हैं तो ये एक बॉर्डर से आती हैं कहाँ से आती हैं या ये ये अफ़गान बॉर्डर से आती है डिफरेंट जगह से आती है गिलगित बल्स्तान में इसलिए अलाउड है कि गिलगित गिलगिस्तान जो है वो टेक्निकली तो आपके जो है उन पर टैक्स कोई नहीं है ठीक है तो आप रायाकोट ब्रिज के उधर उधर वो गाड़ी चला सकते हैं इधर नहीं चला सकते जिस तरह से में भी हैं जो चल जाती है जो सिम में चल जाती है वो इलीगल है ना वो नॉन हाँ. कस्टम तो है बट मैं इसलिए खिलाफ हूँ मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसे ही है कि फिर तो एक इनार हो जाएगी ना आप कहें जी मैंने अपनी सैलरी पर टैक्स नहीं देना अगला कहेगा मैंने गाड़ी पे टैक्स नहीं देना फिर तीसरा कहेगा मैंने पानी की बोतल खरीदी है मैंने उस पर सेल टैक्स नहीं देना तो मुल्क कैसे चलेगा वट इज ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर ऑफ कार्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वट कार वुड ही चूज इफ यू हैड टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ये रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो तो फ्यूचर से ज़रा दूर होगा मैं क्योंकि ओल्ड स्कूल आदमी हूँ मैं पुरानी गाड़ियाँ पसंद करता हूँ तो वो तो मेरे जो है मेरे पास ऐसे है, ही हैं उनमें पसंद करूँगा फ्यूचर ऑफ ऑटो इंडस्ट्री इज़ इलेक्ट्रिक वो जितनी जल्दी हमारे पास आ जाएगा जितनी जल्दी हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे वैसा है क्योंकि दुनिया में तो ट्वेंटी थर्टी के बाद काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे गैजुलीन गाड़ियाँ बननी नहीं हैं हम वो उर्दू की एक मिसाल है ना कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली छोड़ती नहीं खा जाती है तो अभी हम इस बात पर नहीं जी पाकिस्तान से तो बड़ा टाइम है जब दुनिया में बनेगी नहीं तो क्या करेंगे आप सीके डी लेके आनी है ना जब कोई बनाए ही नहीं रहो तो ला के क्या करेंगे आप प्लीज आस्क हिम अबाउट द मर्सिडीज एस एल प्रोजेक्ट नो अपडेट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन दैट चैनल हाउ मच हैज बीन कम्प्लीटेड एंड हैज ही डॉक्यूमेंटेड हैजमेंटेड रेस्टोरेशन वो लोगों को अंदर ना थोड़ा सा ये होता है कि अगेन यू आर इन कॉन्टेंट क्रिएशन आपको आइडिया होगा कि कितना टाइम लगता है क्या होता है सो so, हम जो है ना वी प्रोड्यूस वीडियो एटलीस्ट अ डे एक दिन की एक वीडियो जरूर जारी होती है तो वो बैकलॉग में काम चल रहा होता है रमज़ान में हम लोगों ने ये मर्सिडीज़ के मैंने दो प्रोजेक्ट शुरू किए थे आज उसका एक पिछले हफ्ते चला गया एक दूसरी गाड़ी का फाइनल जो है आज कंक्लूड हुआ है तो येस आई एम वर्किंग और वो थोड़ा डिले से जाता है बट अगेन उसके लिए मादरत ही कर सकते हैं वट स्टॉपिंग पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैनुफैक्चर फ्राम रेगुलेटिंग द मैनुफेक्चरिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट the import of auto parts ultimately leading to reduced car price nothing stopping them point ye hai ki jo auto parts manufacturing association hai un unka aap ye samajh le ki wo jo 13 consumer hain producer hain wo unko wo unke suppliers hain तो वो उनसे कोई शर्तों नहीं लड़ा सकते ना वो उनसे बात कर सकते हैं ना उनसे बहस कर सकते हैं वो तो government का काम है Again वो एक साइड ऑफ द इकॉनमी है वो एक कंपनी है वो उसके सप्लायर हैं वो आपस में उनसे पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो कौन सा पार्ट ले रहे हैं येस ऑब्वियसली दे वांट ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन उनका कारोबार बढ़ेगा बट दे कैन नॉट पुट फुट ऑन देयर कस्टमर के यार तुम मेरे से ही लो समझ रहे हैं वो तेरह कंपनियाँ जो हैं वो उस लिहाज से एक हायर पोजिशन में बिकॉज वो अपना कारोबार उनको दे रही ठीक है।, है वो उनको आंखें नहीं दिखा सकते काम गवर्नमेंट कह के वो बोले कि भाई भाई मियाँ ये चीज़ लोकलाइज करो भाई मियाँ ये लोकलाइज करो वो कैपेबिलिटीज़ हैं चीज़ें बन रही हैं पाकिस्तान में हो रही हैं ये जो सेकेंड हैंड साइड मरर टाइप मार्केट है कोई तरीका है इसको ख़त्म करने का क्योंकि कराची में ये बहुत बड़ा मसला है गाड़ी अगर बाहर पार्क करो तो कोई साइड मिरर तोड़ के ले जाता है यार वो तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर के साथ है सेकंड हैंड वो भी पार्ट्स की मार्केट भी अब आपकी गाड़ी का इंजन उड़ जाता है आप गाड़ी में इंजन लेने जाते है, वो हैं वो कहाँ से आता है इंजन चोरी का होता हो सकता है नहीं भी हो सकता मैं कोई तो नंबर शंबर होता है आई वो फ़र्क नहीं पड़ता नंबर सब बदल जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर चेंज भी कर लेते हैं चोरी का भी होता है इम्पोर्ट का भी होता है इट्स ऑल अबाउट आपकी सिचुएशन कैसी है चलें वो तो चोरी होते हैं मोटरसाइकिल पे शीशे नहीं होते वो को चोरी करता खुद नहीं लगाते लोग अच्छे नहीं लगते लोगों का कहना ही है जब किसी से ना कहते तो चोरी है मैंने कहा है तो चोरी तो वही जिस आपने कहा डिमांड में है ना मैं तो किसी मोटरसाइकिल पर शीशे लगे हुए देखे नहीं तो चोरी होकर कहाँ लगते हैं आपके वाले केस में चले लग जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है आप तो शीशे के आप तो गाड़ियों के व्हील चोरी होना शुरू हो गए हैं गाड़ियों के पूरे पूरे डेक चोरी होना शुरू हो गए हैं तो चोरी होते हैं डैशबोर्ड उतार के ले जाते हैं मतलब वो तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है कनेक्टेड uh, ही सवाल है वायर रॉयल एनफील्ड और बजाज और हीरो मोटर बाइक मोटरबाइक कानवी इम्पोर्टेड पाकिस्तान थ्रू लंडन एज ई सेड इन द लास्ट पॉडकास्ट वॉट इफेक्ट वुड इट हैव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इफ इम्पोर्ट्स ऑफ कार्स एंड बाइक्स फ्राम इंडिया इज अलाउड इंडिया के साथ आपकी कई चीज़ें ट्रेड में रेड आइटम है कोई ग्रीन है कोई ग्रे है सो रेड आइटम्स के अंदर ऑटोमैन ऑटो की सारी चीज़ें आती हैं इसलिए आप नहीं मंगा सकते रॉयल एनफील्ड हो या कोई भी चीज़ हो लंडन के थ्रू जो किसी भी थ्रू नहीं मेड इन इंडिया चीज़ नहीं आ सकती एक लॉ है मुझ... अगर आ गई तो हमारी प्राइसेस का क्या फ़र्क पड़ेगा कम हो जाएंगी सारी आ एक तो इम्पोर्टेबल ही नहीं है अगर कुछ कल दुनिया बदल अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली देखें दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेड का लॉ यही कहता है कि अगर एक चीज़ को कहीं एक्सपर्टीज है और वो बंदा उस चीज़ को सस्ती बना लेता है तो ऑब्वियसली आपको चीज़ सस्ती मिल जाएगी कैन हाइब्रिड भी अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तानी मोबिलिटी आई डोंट थिंक रिलाइंग ऑन इलेक्ट्रिक ग्रिड वुड बी रिलायबल टू चार्ज अ इलेक्ट्रिक कार आई tend टू एग्री विद दिस स्टेटमेंट इन द context कि आप गेजोलिन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट नहीं कर सकते एक ट्रेजेक्ट्री है कि आप आइस जो इंटरनल कमर्शियल इंजन है उससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पे नहीं जाओगे बीच में हाइब्रिड है एक पैराडाइम शिफ्ट है आप सारी उम्र पेट्रोल गाड़ी चलाते रहे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पे नहीं आते जो एक सेंस बनती है कि आप स्टेप बाय आओ तो उसमें जो है येस हाइब्रिड शुड बी इन वे और वह गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी लाई थी हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर अच्छी पॉलिसी भी आई पाकिस्तान के अंदर पहली सी हाइब्रिड गाड़ी आ चुकी है दूसरी आने वाली है तो यस आई थिंक इस प्रोजेक्टरी में बट ये है कि लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा अभी येस इट्स अ सीरीज इशू मैंने पहले दोनों एक वीडियो बनाई है कि आप इलेक्ट्रिक उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं आप जाते हैं पता लगता है एक चार्जर खराब है फिर दूसरे पे जाते हैं वो खराब है फिर जाते हैं तीसरे पे लाइट गई हुई है और आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल का नहीं है फिर आप किसी दोस्त के घर खड़ी करके गाड़ी चार्ज करते हैं लॉट लॉट ऑफ ट्रबल राइट पाकवील इज गॉट पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स फोरम्स बट वाई ही हैज डन समथिंग टू रिवाइव दैट कम्युनिटी अगैन द कम्युनिटी इज़ स्टिल इंटैक्ट हु एवर सेज़ दट द कम्युनिटी रीज टू बी रिवाइव आई थिंक एज बिन स्लीपिंग और इज़ नॉट पार्ट ऑफ कम्युनिटी बिकॉज कम्युनिटी का कोई भी बंदा आज तक मैं आपको बता रहा हूँ दो हज़ार तीन से लेकर अब तक कोई खुशी कोई गमी वी आर ऑल कनेक्टेड मीन्स ऑफ कनेक्शन फ़र्क हो जाते हैं जब शुरू में फोरम बने थे तो और कोई सोशल मीडिया नहीं था फेसबुक आ गया लोगों ने एक दूसरे को फेसबुक पे ऐड कर दिया व्हाट्सएप आ गया व्हाट्सएप पे ऐड कर लिया सो so, फजल वहाब अमेरिका में बैठे हुए मुझे पता होता है कि उनकी तबीयत कैसी है उनको वहाँ बैठे हुए मेरी तबियत का पता वो होता होगा कह रहे थे कि लोग अगर ज्वाइन ज्वाइन करना चाहें वो फोरम्स फोरम्स वापस जो है इस गोल्ड माइन मैं आपको बताऊँ आज कल लोग कहते हैं ना जी वीडियो देख लो ये कर लो आप जो वीडियो कहाँ ढूंढ के निकालेंगे पाक व्हील्स के फोरम के ऊपर आप हर गाड़ी का और सिर्फ गाड़ी का नहीं आर ट्रेवल फोरम्स आर लाइक टॉप आप किसी ने ट्रैवल करना है ना पाकिस्तान में तो पाक के ट्रेवल फोरम पर जाकर देखे Why doesn't Pakistan export their motorbikes to Africa like India and China? Surely our labor in Pakistan is cheaper than India and China. If so, can we sell cheap bikes to Africa? आप नहीं बेच सकते बिकॉज अगेन अगर मैंने इलेक्शन लड़ना तो मैं आपसे कहूँ बल्ले बल्ले सुनील साहब के नारे लगा दें लेकिन ऐसा है नहीं रियलिटी में आपकी बाइक चीप नहीं है ना आप दुनिया पे एक्सपोर्ट कब करते हैं जब दुनिया सिंपल रूल है एक्सपोर्ट का आप चीज सस्ती बनाते हैं दुनिया को महंगी मिल रही होती है वो आपसे ले लेगा जिस तरह अभी हम बात करते हैं कि अगर वहाँ से हम सए से हमारे अगर आए बाइक तो हमें क्या फ़ायदा होगा ऑब्वियसली हमसे सस्ती बनाते हैं तो हमें फ़ायदा होगा अगर वो हमसे महंगी बनाते हैं तो हम क्यों इम्पोर्ट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम महंगे हैं बाई वुड द इम्पोर्ट फ्राम अस वाई डज ही कीप सपोर्टिंग द इलीगल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन हायर टैक्सेज ऑन नॉन फाइलर्स हु पे हैवी कंजम्पशन टैक्स although we see no reforms in the auto industry even after heavy tax collection taxes are meant to be spent on the nation which समझ आफ्टर है मुझे वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुनील साहब इलीगली नॉन फाइलर के खिलाफ बोलते हैं तो पहली बात तो ये भजन नॉन फाइलर है तो भाजन मैं आपके खिलाफ़ बोलता हूँ जरूर बोलता हूँ बोलता हूँ आप इलीगल काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको सपोर्ट करूँ और ये आर्गूमेंट बड़ा गंदा है ना रॉबिन हुड इकॉनमी बनाने चले हैं आप किस से पूछ लें ना हमारे भी जानने वाले हैं जो टैक्स नहीं देते की फ़ायदा है जी अभी पानी की बोतल ले अठारह परसेंट दिता मैं कमें भी दता है सो एवरी हंड्रेड रुपीज़ आई अर्न थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट डायरेक्ट टैक्स चला गया फिर जो अठारह परसेंट जी एस टी चीज़ों पर दिया मैंने भी दिया आपने भी दिया बच्चों की एजुकेशन मेरी भी फ्री नहीं आपकी भी नहीं मेडिकल भी नहीं हम सब में बराबर हैं तो अगर मैं और हर बंदा टोटेलिटी में इसी आगोम को ले जाएगा तो फिर तो ये जंगल बन जाएगा ना तो हाउ कैन यू सपोर्ट के जी नॉन फाइलर को सपोर्ट करो मैं रिटर्न नहीं मिलता आप इस मुल्क में सड़कों में नहीं फिरते वो सड़कें किस चीज से बनती हैं यू थिंक पाकिस्तान नीज एंड ऑटो इंडस्ट्री वी हैवन ऑफ द लोएस कार पर पर्सन रेशो इन डेवलपिंग मार्केट्स एंड सच हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दट वी एंड ऑफ गेटिंग सिटी प्रोडक्ट एट द हाइस प्राइस इवन इन डॉलर टर्म्स वॉट इट बी वाइज टू जस बाय रादर दैन मेक देखिए अगर लॉन्ग टर्म में आपको लगता है ऐसा है तो बिल्कुल करना चाहिए लेकिन मैंने भी आपको इसी पोडकास्ट में एक्जाम्पल दी कि छः सौ साठ सी सी गाड़ी मेरे सुजुकी से कोई लॉस्ट लव नहीं है शायद लाभ भेट ही हो तो छः सौ साठ सी सी, सी सुजुकी की ऑल्टो जो है वो आपको जीरो मीटर जितने की मिलती है उतने की पाँच साल पुरानी एक्सीडेंटेड जापानी गाड़ी नहीं आती ऑप्शन दुनिया जहान की आप डाल दें जो बेयर मिनिमम ऑप्शन चाहिए उसमें डोअल एयरबैग भी है ए भी है पावर स्टेरिंग भी है तो ये आर्गूमेंट गलत है ये एक झूठ पे मबनी लाइन होगी अगर मैं बिलाव जब बोलूँ कि जी शिटी प्रोडक्ट है और महंगी कॉस्ट पे कहाँ से महंगी है कोई 660 सौ इंपोर्टेड से कंपीट क्यों नहीं कर सकती फिर इज़ द इकोनॉमिक आंसर अगर वो ना करती होती तो फिर जापानी बिकती तो इसी तरह आप डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर अगर देखिए फ्री इकॉनमी में कंज्यूमर के पास पावर है ना अगर एक गाड़ी महंगी है और वो अपनी वैल्यू से ज़्यादा भी है आप ख़रीदना छोड़ दें वो नीचे आ जाएगी शिटी कहीं भी जाना है और घर में भरी भी जानी है सबने वो ऑन कौन देते हैं इफ़ आउट ऑफ ट्वेंटी टू करोड़ अब अगर हम कहते हैं जी एक करोड़ के भी नहीं चले दस लाख लोग गाड़ियाँ लेने वाले हैं उस दस लाख में से आठ लाख ऑन दे रहे हैं तो गाड़ी पर ऑन है ना अगर आठ लाख से ये सोचते हो कि शिट प्रोडक्ट और वैल्यू टू मनी ने तो ना लें सब ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि रुते भी जाने और लेते भी जाने है कर दे और ना लें मेरे को ज़बरदस्ती मैं तो हमेशा कहता हूँ गाड़ी के अंदर वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ गाड़ी से सांस नहीं आता नाले तो छोड़ते भी नहीं है ना लेनी भी है इन इज ओपिनियन विच इज हैव इन पाकिस्तान नहीं वो रिकमेंड करना चाहते शुरू तो को बहुत ज्यादा हमने वो कर दिया this... रीजन कि सुनील माइक अपनी चाहता है ताकि महंगी हो जाएगा <laughs> यार कंप्लीट गिराज टूर इसलिए नहीं आ सकता कि जो मेरा गिराज है ना वो बहुत पुरानी पुरानी गाड़ी है। इट्स जस्ट लाइक मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस ये एक डे केयर नहीं होता कि आपने अपनी चीज़ मुझे दे दी एनिमल पेट केयर सेंटर है तो एक तो मेरे गिराज में सारी गाड़ियाँ मेरी नहीं हैं आई बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि सारे सब्जी मेरी है कोई आपकी कोई किसी दोस्त की किसी ने कहा यार ये मेरी गाड़ी है मुझे लगा कि यार वो ख्याल नहीं रखना मैं 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 मत यार मैं ले मैं आऊँगा मैं इसको संभाल भी लूँगा मैं इसको धो भी लूँगा बस उसको इधर खड़ा रहा खराब ना होने जब तुझे चाहिए तो ले जाए तो वो इस तरह कलेक्टिव आइटम दोस्तों की या मेरी एक किठे एक समझ लें कि एक डे केयर सेंटर है जहाँ पे वो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं गाड़ियों को अपना बच्चा समझता हूँ ज़्यादा कोई कहीं पे है कोई किसी वर्कशॉप में है अब मैं आपका बच्चा किसी को अपना करके दिखाऊं तो आप मेरा सर पाड़ देंगे इसलिए वो ग्राज टूर और तो आ नहीं सकते मैं तो सोच रहा हूँ कराची में डेकर उसको खोल लें एक एक दो हफ्ता तो मैं अपनी गाड़ी छोड़ के जाऊँ ताकि आप उससे बातें नहीं, नहीं उससे मेरे दोस्त अभी कामरान भाई आए थे सऊदिया से उनकी बीस साल पुरानी कल्टस थी वो मुझे देकर गए कि यार तूने एफ स्टोर किया है किसी की रिस्टोर की है मेरी कल्टस भी रिस्टोर कर दे तो वो भी मेरे ग्रिज में खड़ी है अब मैं आई टूर करके कि कहूँगा मेरे भाई है उसने मुझे गाड़ी दी हुई है ट्रस्ट की हुई सऊदिया चला गया बट एक्चुअली इज़ नॉट माइंड तो आई डोंट वॉन्ट टू लाई मैं ये बता रहा हूँ अगर मैं इस सोशल मीडिया की दुनिया में किंग बन रहा पीछे पचास गाड़ियाँ खड़ी, हूं, अच्छा बारा खड़ी हूं, और मैं भी टूर कर लूँ बट मेरी होंगी नहीं बचपन में, में पे था था, तो, हाँ जी। उस तरह का शो बनाए पाकिस्तान में लोगों को बोले कि अपनी घटिया गाड़ियाँ दे एंड वो रिस्टोर हो आपको बता रहा हूँ अभी अगर आपने नहीं देखी रिस्टोर किया रिस और मैं उसको भी इस्लाम लेके जा रहा हूँ परसों बट वो कौन बहुत अच्छा होगा कि आप किसी घर में जाएं और गाड़ी के हालात बहुत बुरे हुए हो मैंने जहाँ से रिस्टोर किया मैं बता रहा हूँ ये बड़ा मज़े का एक भी है मज़े का हम वैसे रिस्टोर कर रहे थे वीडियो बनाते हैं मुझे एक दिन एक दोस्त की कॉल आई उन्होंने कहा कि ये फलाने साहब आपसे बात करना चाहते हैं उन्होंने कहा जी मेरी इस गाड़ी से इमोशनल वैल्यू है मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया मैं उनकी हर चीज़ को रिस्टोर कर रहा हूँ घड़ी ये वो गाड़ी आठ साल से घर में खड़ी है मैंने जाके देखी ना वो गाड़ी स्टार्ट थी ना उसमें बैटरी थी बहुत बुरी हालत में थी विद इन थर्टी डेज आई है पॉइंट कि वो मतलब लिटली वो ही वॉज शॉक ये क्या किया इस गाड़ी के साथ तो येस वी आर डूइंग डेट बट पाकिस्तान में न थोड़ा मसला ये है कि एक तो रिसोर्स कम है टाइम कम है पार्ट्स नहीं मिलते जुगाड़ करनी पड़ती है और हमारे यहाँ ना जो ये एक ऑटो के बारे में मैं एक मेरा बड़ा दुखता सा पॉइंट और मैं आपका फोरम यूज़ करूँगा कि आपने कभी रैली का नाम सुना होगा रेस का नाम सुना होगा जब रेस होती है तो उस दिन टीवी पे ख़बरें भी चल जाती हैं कि सहरा का बादशाह पहुंच गया शहरा का किंग पहुंच गया ये वो पहुंच गया कभी आपने सोचा ये जो सारे बादशाह हैं ये प्रैक्टिस कहाँ करते हैं नहीं सुना ना कि प्रैक्टिस कहाँ करते हैं रैली uh, की प्रैक्टिस रैली वाले जितने भी रैली ड्राइवर हैं जो फर्टर्निटी है हमारी छोटी सी हम भाई हैं सारे पचास साठ लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो छे सात रैली वही सारे लोग हम इकट्ठे होते हैं ऑफ ऑफ रोड तो तो में करते हैं कराची वाले तो वहां जिस दिन -रोड रोड रैली होती है ना उस दिन तो बता रहा हूँ आप नेशनल मीडिया पे हीरो होते हैं नहीं उसके अलावा जब आपका सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो पता क्या लिखा आता मंचले ने गाड़ी मार दी मंचला पता किसे कहते हैं क्रेजी पागल सो यू हैवन प्रोवाइडेड अ सिंगल ऑफिशियल लेवल ग्राउंड जहाँ पे कोई मोटर स्पोर्ट हो सके ठीक है क्योंकि मोटर स्पोर्ट की या मोटर की जब बात की जाती है तो वो एक अयाशी है क्योंकि उससे वोट नहीं मिल सकता पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती वो कहेंगे आप इतने पागल हैं आप मोटर हालांकि क्रिकेट भी स्पोर्ट्स है उस पर भी आप करोड़ों रुपए लगाते हैं पूरा आप मुल्क देखते हैं ना पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स है मोटर स्पोर्ट मेरा ख्याल है टॉप थ्री फोर में आती है

कहाँ सर क्या देख यार बड़े मैं देखें मेरी आँखें देखे मेरी आँखें दो हैं लेकिन मैं दो कानों को भी साथ मिला के चीज़ें देखता रहता हूँ काफ़ी ऐसे लोग जब वो पावर में रहते तो आपके पास आना पसंद करते हैं जब पावर में जाएंगे शायद ना पहचाने आपको लेकिन आई आई सी आईज लुकिंग और मैं आज आपको बड़ा एल बी वैरी ऑनस्ट वीडियो शायद मैं ना आता लेकिन मैंने कहा कि यार इसकी जो पॉडकास्ट है ना वो कई ऐसे लोग देखेंगे जहाँ तक मैं पैकाम पहुँचाना चाहता हूँ इसलिए मैंने पाक व्हील से ज़्यादा ऐसी बातें की हैं जो मेरे एक दर्द और दुख और एक पाकिस्तानी का पॉइंट था शायद उसके चक्कर में रड़ा भी जाऊँ लेकिन

मेरी उम्मीद है मेरी दरख्वास्त है कि मैंने जितनी ही बातें की हैं ना मैं देखें आई बिलीव कि हम पाकिस्तानी हैं मैं हमेशा कहता हूँ उन लोग सबसे कि मेरे पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी थी जितने मेरे डिफरेंट क्लास फेलोज़ के पास थी मेरे पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी थी जितना लोग न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट में बैठ के कॉफी देख रहे होते हैं और कॉमेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि सब बुरा है मैं भी जा सकता था मैं अपने बच्चों के साथ अपने वालदे के साथ अपनी फैमिली के साथ अपने कारोबार के साथ इस मुल्क में हूँ इस उम्मीद के साथ हूँ कि मुझे ये लगता है कि दुनिया में इससे फर्टाइल लैंड कोई नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से हमें अगेन अगर पेट में दर्द है सर दर्द की गोली खाने से सही नहीं होगा मैं ये बातें सारी हमेशा इसलिए करता हूँ कि शायद कहते हैं ना पत्थर के ऊपर भी पानी गिरता रहे तो कभी कोई ना कोई डिफरेंस बढ़े तो शायद वो जो इन्फ्लुएंशल लोग आपकी पॉडकास्ट देखते हैं उनमें से किसी एक को मेरी बात पसंद आ जाए कॉपी पेस्ट करके अपनी बन के लगा दें मुझे कोई इतना बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है अगर आपको लगता है जो पावर में नहीं रहते वो हमारी पॉडकास्ट में आते हैं तो आपके दोस्त भी कुछ पावर में नहीं है उनको भी बोले इस पॉडकास्ट पे आ कौन से दोस्त मेरा कोई <laughs> दोस्त कभी को पावर में नहीं रहा आपको लगता है सर आपने रिसर्च किए आखिरी सवाल है ऑटो पॉलिसी मिनिस्टर वट विल ही डू इट द फर्स्ट टेन थिंग्स विच कैन चेंज द सिस्टम यार ऑटो पॉलिसी मिनिस्टर तो मैं शायद ना बनना चाहूँ मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मैं शायद सियासत में आना चाहूँ लेकिन अगर मुझे कोई रिफॉर्म का कहा जाए कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी की जा सकती है तो हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह मैं पहले कंपनीज़ की बात करता कि जो बंदा ग्रास रूट लेवल पर रहा होता ना तो उसके लिए वो पॉलिसी बनाना वो ज़्यादा आसान है मुझे ये जरूर पता है कि इस मुल्क में अगर मैंने ऑटो सेक्टर के अंदर ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू बेहतर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ जो कि लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं बट वो गवर्नमेंट की किटी में नहीं जा रहा सो देर इज लॉट कैसे कर सर so, मैंने आपको बताया कि जितना एजेंट माफी है अभी आज आप गाड़ी ट्रांसफर कराने जाएं जो ट्रांसफर की फीस है उससे ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है जो सरकार को नहीं मिल रहा तो अगर डिजिटाइज़ कर दिया तो डिजिटाइज़ की मैं बता एग्जाम्पल बताता दो चलो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ आखिरी बात डिजिटाइज हुई हुई है इस्लामाबाद की गाड़ी आपने ट्रांसफ़र करानी है आप कराची बैठे हैं पहले आप गाड़ी को चलाएंगे कराची से इस्लामाबाद लेके जाएंगे उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे फिर वो ट्रांसफ़र होगी कॉस्ट देखने कितनी है चालीस पचास साठ हज़ार रुपये का फ्यूल खर्च के बारह हज़ार सरकार को देंगे दर इज अ गैप एंड देर एन अपॉर्चुनिटी दट फिफ्टी थाउजेंड यूर्स स्पेंडिंग और उसको हाफ हाफ भी किया जाए और पच्चीस हज़ार वहाँ पर ट्रांसफर फीस इस्लामाबाद में ले लें और इस्लामाबाद में एक सेंटर खोल दें लाहौर में एक खोल दें देर इज़ नॉट दैट कैन बी मिशिगेट बट करने की बात मैं बता रहा बताऊँ उस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको इस मुल्क में रहते हुए चालीस साल से मेरी ज़्यादा उम्र होगी मुझे नज़र आता है कि यार ये चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है आई डोंट वॉन्ट टू बी अ मिनिस्टर आई डोंट वॉन्ट टू बी एन एडवाइज़र मुझे कई दफ़ा उन्होंने बोला कि जी आप फलानी मीटिंग में आ जाएँ हम आपको फलाने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं मैं क्या भाई मुझे ना फेसबुक बाजी आती है ना मैंने करनी है अगर जिसने काम करना होता है वो बगैर उसके भी कर लेता है मुझे कहीं अपना नाम नहीं लिखवाना कि मैं एडमिज एडवाइज़र टू और जितने माशाल्लाह हैं उन सब के साथ तो मैं अपना नाम भी लिखवाना नहीं पसंद करूँगा तो आई एम बेटर विदाउट दैट लीग तो मुझे कोई एस्पिरेशन नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर बनने की किसी सियासत में आने की मुझे एस्पिरेशन इस बात की ज़रूर है मैं अपनी जिंदगी में एटलीस्ट दस ऐसे ब्रांड देखना चाहता हूँ दुनिया में जो कि पाकिस्तान से बने हुए इनशाला इनशाला बनेंगे थैंक यू सो मच सर आपने हमें वक्त दिया आपको लगा आपका फायदा होगा फायदा हमारे ही एक बंदा कराची से आया मैं लोगों के लिए एक और चीज बताता हूँ चले एक और चीज यंगस्टर्स के लिए बता देते हैं हमारे यंगस्टर जो है ना उनको एक शॉर्टकट सिखाया जाता है एक उनको थोड़े रिसेंट पार्ट में बदतमीजी सिखाई गई है एक उनको ये सिखाया गया कि अगर आप बहुत आउट स्पोकन होंगे तो काम अच्छा होगा ऐसा नहीं होता यू बिल्ड योर नेटवर्क सो आपने मुझे अप्रोच किया आप आपके और मेरे कॉमन दोस्त हैं उन्होंने अप्रोच किया सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क मैंने कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को मैसेज किया है मुझे पता कि जवाब नहीं आएगा जिस दिन मैं उनके चाचा के मामे के सगे के पुत्र के थ्रू जाऊँगा तो आ जाएगा एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स सो बिल्ड योर नेटवर्क मीट पीपल रोने से क्रेब करने से कि जी इस मुल्क में करप्शन है और ये वो मैं हमेशा कहता हूँ करप्शन भी करनी है तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है डू इट

आई मीन पार्कवील्स के जैसे सब्सक्राइबर्स हैं पहले दिन तो नहीं थे ना यू डू इट यू डू इट ओवर ईयर आपको टाइम लगाना पड़ेगा मेहनत लगाना पड़ेगा अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी बिल्ड योर नेटवर्क स्टॉप क्रेबिंग और जो एक्सेल शीट और जो फाइनेंशियल मॉडल है ना वो ठीक है देर गुड आई नॉट अंडरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बट डू कम आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू लिव अ प्रैक्टिकल लाइफ लिव अ प्रैक्टिकल लाइफ थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड थैंक यूनिंग